वाह 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 माय गॉड <laughs> एक टाइप का खलासी हूँ मैं आई एम खोजी मैं हर एक दिन अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश करते रहता हूँ ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ पॉप सिंगर ले बैक मेरे लिए ऐसा लगता था कि आउट ऑफ रीच ही है म्यूजिक जो है वो जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है हर एक की लाइफ में जैसे कि एक पानी हवा और सनलाइट है वैसे भी उसी तरह से म्यूजिक जो टीवी पे दिख रहा है या फिल्मों में दिख रहा है वही दुनिया नहीं है आर्टिस्ट का कैनवास बहुत बड़ा है 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 ये जो जर्नी है, वही आपकी लाइफ सक्सेस और फेलियर ज्यादा ये जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हो कभी भी हार मत मानो आर्टिस्ट को तो कभी मत पूछना ही है कि क्या छोड़ते दिया क्या कुछ कर नहीं रहे आजकल <laughs> इरिटेशन इस बात की है कि आप पे बिना बोले एक ना दुनिया आप पे रिस्पांसिबिलिटी डाल देती है एक आर्टिस्ट को सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है पैसा नहीं होता ज्यादातर लोग आर्ट म्यूजिशियन नहीं है ना ये पहला पॉडकास्ट तो, होगा जो शायद म्यूजिशियन का होता है मेरे लिए हाईएस्ट पॉइंट मेरा फर्स्ट एल्बम निकलना था रेलेवेंस अभिजीत सावंत है कहानियां है आपके ऊपर और उनके बीच में आप मेन लीड रहे हो तो लोग रिलेट बहुत करते हैं अभिजीत सावंत से 2011 तक एक टाइम ऐसा था कि मैं बैग लेके जाता था रखता था वापस दूसरा <laughs> बैग ले था। कुछ कॉम्बिनेशन सकता हूं। मतलब गुलाब जामुन के साथ राइस हाय <laughs> फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका द म्यूजिक पॉडकास्ट एक नए एपिसोड में आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और उनका ताल्लुक रियलिटी शो से है और उस रियलिटी शो से है जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ उस टाइम ना ओटीटी होता था ना स्ट्रीमिंग होती थी ना सोशल मीडिया ना डिजिटल होता था उन्होंने शो जीता और उस टाइम लोग इलेक्शन में जितने वोट डालते हैं उससे ज़्यादा वोट फ़ोन पर डालते थे तो जब उन्होंने अपना पहला रियलिटी शो जीता उसके बाद एक दूसरे रियलिटी शो में वो रहना सब भी रहे उन्होंने एक्टिंग की प्लेबैक किया अवार्ड जीते कॉमेडी किया एंकरिंग की पॉलिटिक्स ज्वाइन किया बिजनेस किया उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की इस तकरीबन 20 साल के करियर के बाद भी वो उतने ही यंग और एनर्जेटिक दिखते हैं तो आप इन्वाइट करते हैं सबके साथ इंडियन आइडल वन के विनर अभिजीत सावंत को माय गॉड <laughs> इतना इतना मैंने कभी भी प्रोफेशनल नहीं देखा तार सिंह आपको बट बहुत खुशी है मिलकर और बहुत खुशी हुई इस बात को क्योंकि हमने बहुत सारी बातें की है अनऑफिशियल तरीके से आज हम लोग सारी अपनी जो अनऑफिशियल चीजें हैं अभी हम लोग वही बात करेंगे सिर्फ कैमरे के साथ हाँ वही एक ही डिफरेंस है तो हम लोग दोनों के ऊपर एक रिस्पांसिबिलिटी है जी।, जी मैंने भी करियर सेम टाइम पे शुरू किया ओके वी हैव वेरी थिंग्स इन कॉमन तो अभी 20 साल हो गए उनको हमारी किस्मत अच्छी है हाँ। मुझे साल हो गए ना आपको 2005 में इन लाया था फिलहाल 2004 में शुरू हुआ था तो अभी 24 हो गया तो अप्रोक्सीमेटली तो हम वही बातें करेंगे जी। जो बातें आने कुछ सीखने के लिए जी। तो ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्यादातर तो लोग ना जितने भी लोग 2005 में टीवी देखते थे जी। मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी आदमी ऐसा होगा जिसको जो अभिजीत सावंत को नहीं जानता सब जानते होंगे और ज्यादातर लोग उस टाइम पागल हो गए थे कि यू नो प्राइड ऑफ़ नेशन एंड एवरीथिंग आप एक हस्बैंड भी हो पिता भी हो जी बेटे भी हो जे. कभी आप सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो सब अरे. लोग आपको अलग अलग तरीके से सोचते हैं बट असली अभिजीत सावंत कौन है रियल अभिजीत सावंत मैं एक मुझे लगता है मैं एक खोजी हूँ जो मैं हर एक दिन अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश करते रहता हूँ आई ऑलवेज़ ट्राई टू डिस्कवर माई सेल्फ इन कि मैं ये भी कर सकता हूँ क्या या नई चीज़ कर सकता हूँ क्या क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि हम मतलब कोई एंड नहीं होती कोई चीज़ की और कोई नई चीज़ अगर मिले तो हमें बहुत एक काइंड ऑफ यू नो एक इंस्पिरेशन देती है आगे के चार पांच दिन और अच्छे जाने के लिए यू you नो know? और वो मुझे बहुत खुशी मिलती है उन चीजों करके नए लोगों को मिलके नई चीजों को देखकर तो एक टाइप का खलासी हूं like you know, kind of मुझे कुछ नई चीजें दे एक्साइटमेंट दे तो ऐसा ही हूं मैं बस खोजी <laughs> <laughs> तो अगर आपसे पूछो कि इस जर्नी में आपकी सबसे बड़ी सीख क्या क्या है हाँ आपने क्या क्या सीखा है मैं ये जर्नी में अभी तक की मतलब ऑलमोस्ट अठारह उन्नीस बीस साल जो भी करियर मैंने बिताया ये पूरे टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीखी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गैदर किए बहुत सारी, सारी चीज़ें भी अलग अलग की एंड आई रियलाइज वन थिंग ये जो जर्नी है वही आपकी लाइफ है यू नो सक्सेस और फेलियर इन से ज़्यादा ये जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट अगर मैं ये कहूँ कि मुझे हर बार कोई एम करना है और वो पाना ही मेरे लिए बड़ी चीज़ थी जैसे मैं जैसे इंडियन आइडल जब बना तो कभी ये नहीं सोचा था कि इतना सक्सेस मिलेगा इतना सब कुछ ग्लैमर वर्ल्ड होगा और उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ इंडियन आइडल के बारे में तो मुझे एक्चुअल में मेरी पीछे की जर्नी थी जब मैं गाना सीख रहा था म्यूजिक सीख रहा था या किस तरह से सारा वो स्ट्रगल था और उसको मैं कैसे एंजॉय कर रहा था वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन गई मेरे लिए अचानक से यू you नो know, आप अगर आप जब भी कोई एक माइलस्टोन पाते हो तो सडनली आपकी पुरानी जो जिंदगी है जो पीछे चली गई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है To. तो जैसे आप आगे जा जब आप लीप लेते हो आगे बढ़ते हो वैसे आपकी पुरानी जिंदगी जो होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है तो इसी तरह से एक जर्नी का पैटर्न हमेशा चलता रहा है और मुझे लगता है कि एक तो चीज जो मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो कि आपकी सक्सेस और फेलियर के लिए मोस्टली uh, फेलियर के लिए किसी और को मत कोसी डोंट ब्लेम अदर्स डोंट ब्लेम अदर्स ये हर बार उस ब्लेम गेम में मत रहिए कि यार ये होता तो अच्छा होता वो तो कर दिया होता तो अच्छा होता इन चीज़ों में मत रहिए लाइफ को एंजॉय करो खुशियां ज़्यादा होनी चाहिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी होनी चाहिए आई ऑलवेज बिलीव कि आप भी आजकल बिलीव करने लग गया हो लाइफ में दो चीज़ें हमेशा कॉन्स्टेंट होनी चाहिए वन uh, इज़ खुशियाँ और दूसरी है प्रॉब्लम्स <laughs> क्योंकि खुशियाँ होगी तो आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत पॉजिटिवली फेस uh, कर सकते हो और अच्छे से देख सकते हो और और ये डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स हो, नहीं होंगी तो आपको मजा नहीं रहेगा लाइफ में यू नो यू विल नॉट हैव दैट चैलेंज नॉट हैव दैट खोजीपन की अरे कुछ करना है आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम्स होनी चाहिए बट प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करना चाहिए सो नेवर यू नो ब्लेम अदर्स अबाउट योर फेलियर नेवर थिंक कि सक्सेस मिल गया या कुछ भी अच्छी चीज़ें मिल रही तो बस हो गया नेवर स्टॉप हर चीज को एंजॉय करो और हर चीज में अपना तुम मेरे से ऐसा सीरियसली बात करो मुझे बहुत सही अजीब लग रहा है <laughs> मुझे भी अजीब मजा आने वाले <laughs> मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने बात बोली जी बहुत डीप है हाँ. uh, हम लोग जब बीस बाईस साल के थे ना तो हम लोगों को ऐसी बातें सुनने को मिलती थी हाँ समझ में नहीं आती थी हाँ है ना हम लोगों को बहुत बड़े लोग बोलते थे नरे खुश रहना भाई क्या है है ना हाँ मुझे लगता है कि हम ना एक तरीके से जब छोटे होते तो हम एक मान लीजिए जैसे कि एक, 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 एक काम करने वाला इंसान है जो एक तरह से ईटे लगा रहा है तो वो ईटे लगाता है सीमेंट डालता है और एक स्टेप बना देता है फिर वो स्टेप पे वो चढ़ के दूसरी ईट लगाता है तो ईटे जब लगा रहा है तो उसको पता नहीं कि वो कितनी ऊंची हो गई कितना क्या सही है क्या गलत है वो सिर्फ बना रहे सो so, एक्सपीरियंस कभी भी हम मुझे लगता है कि हमें हम सिर्फ स्टेबल रहे माइंड में यंगस्टर्स भी स्टेबल रहे और फ्रस्टेशन में ना रहे कि यार ये चीज़ें सही नहीं है ये गलत हो रहा है क्योंकि ज़िंदगी आप जब तक ज़िंदा हो तब तक आप बहुत कुछ कर सकते हो यू नो और बहुत सारी चीजें बदल सकते हो कभी भी हार मत मानो बचपन में भी नहीं होना चाहिए तो सोचने की जरूरत नहीं है इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमें सही क्या है गलत क्या है आप जब गिरोगे तभी आप उठोगे तो उसके लिए घिरना तो पड़ेगा तो यू नो बट जब आज बैठते हैं हम लोग और 40 में आते हैं और जब एक नो एक बहुत जर्नी गुजर जाती है तब पीछे देखने में मजा आता है और जब ये चीज आप अच्छी चीज़ों को देखते हो ना तो हम जो है एक तरह से वो ब्लॉसम की तरह ही बन जाते हैं कि हम फिर हमारी ये दायित्व है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी पुरानी जनरेशन नई जनरेशन को हम वो एक सीख दें अपने बिहेवियर से अपनी बातों से अपने रोज़मर्रा की जिंदगी से कि वो हमसे कुछ ना कुछ ले जो अनोइंगली उनमें एक अच्छा बदलाव लाए जैसे बच्चों में हम लोग लाएंगे अपने मुझे recently, recently काफी साल पहले था। मैं अपने बच्चे के बारे में तो बोला वो नहीं सीखते हैं जो हम उनको सिखाना चाहते जी। बच्चे वो सीखते हैं जो देखते हैं जी। अगर आप चाहते हो कि बच्चे वो अपने माँ बाप की इज्जत करें तो आप अपने माँ बाप की इज्जत करो अगर वो आप चाहते हो कि वो खुश रहे तो आप खुश रहो आप चाहते हो डिसिप्लिन में आ जाए तो आप डिसिप्लिन में रहो जब तक आप वो करोगे नहीं

मुंबई में चारों तरफ लगे हुए हैं वो मेरे लिए हाईएस्ट पॉइंट था क्योंकि पूरी जिंदगी उससे पहले इमेजिनेशन यही थी कि म्यूजिक में काम करना है म्यूजिक में अपना गाना करना है म्यूजिक करना है मैं इवन ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ पॉप सिंगर क्योंकि क्योंकि प्लेबैक मेरे लिए ऐसा लगता था कि आउट ऑफ रीच ही है हम लोग बहुत ही छोटी सी फैमिली से आते हैं मुंबई से रहा हूँ मैं लेकिन फिर भी एक बहुत ही ओके okay, ओके okay, हम कोई रीच नहीं था ऐसा इंडस्ट्री के बारे में तभी तो मतलब सब हम लोग के लिए घोष्ट ही थे ये सब पूरी इंडस्ट्री क्योंकि सोशल मीडिया भी नहीं था तो मैं मुझे लगता था कि मैं इवन मैंने मांगे भी थे मैं मेरे मम्मी से पैसे मांगे थे कि मुझे पंद्रह हजार रुपये दे दे तू तो मुझे एल्बम निकाल लिए मेरे <laughs> जब मेरा फर्स्ट एल्बम आया तो दैट वाज काइंड ऑफ अ मोमेंट वेर आई थॉट कि यू नो ये चीज मतलब शो, शो तो चल रहा था शो जीत लिया

और हार्डली मेरा इंटरेक्शन था उसके साथ लोगों को बिलीव नहीं होता एकदम मतलब हम लोग में मिले एक दिन उसने बस हाँ हेलो किया और फिर बाद में में हम लोग और इतनी मतलब आए तो पूरा रूम चमक जाए तो इतनी, <laughs> इतनी है वो। तो एक्सपीरियंस ये uh, yeah, आपका हाई है। लो पुएंट yeah. पुएंट मुझे लगता है कि कोविड के टाइम में आया क्योंकि कोविड कोविड ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में एक तरह से रियलाइजेशन करवाई कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनको सही कर सकते हो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं गलत थी वो चीज़ें लेकिन उनको आप ट्वीक कर सकते थे सही तरीके से उसको बना सकते हो uh, और जब ठहराव आता है ना जिंदगी में वो ठहराव तभी आया लोगों को शायद नहीं पता होगा कि कई लोग ऐसा पूछते हैं ना कि अरे आजकल क्या कर रहे हो तो <laughs> बट <laughs> या क्या है या? मेरे कल से ज्यादातर लोग यही पूछते हैं हा, हां मतलब लोग पता नहीं लोगों को ये मतलब इस चीज से बहुत इलेक्ट्रिसिटी है हमारे देश में यू नो म्यूजिशियन के लिए उनको ये पता ही नहीं है कि अगर एक सिंगर या म्यूजिशियन अगर वो नहीं है कैमरा पे दैट डजंट मीन ही इज नॉट वर्किंग यू you नो know, उनको लगता है कि अभी छोड़ दिया है ना काम वाम छोड़ दिया आर्टिस्ट को तो कभी मत पूछना ये कि क्या छोड़ है क्या, क्या कुछ कर नहीं रहे आज कल <laughs> तो ये है प्रोसेस उस तरह से और दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार आ, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि मैंने तारा रम पम वो तारा रम पम तारा रम पम तो ना वो कार की है ना वो सैफ अली खान की फिल्म है हाँ तो फिल्म में देख रहा था और उसमें वो बहुत गरीब हो जाता है तो सड़क <laughs> टैक्सी चलाने लगता है वो रहता है रेस का ये और वो सडनली टैक्सी चलाने लगता है तो वो मुझे लगा कि यार ये तो हमारे साथ भी हो सकता है यू नो वी आर आर्टिस्ट यू नो वी आर इनटू दिस काइंड ऑफ बिजनेस जहां पर एक मोमेंट ऐसा आ जाए कि सब कुछ भी चला जाए तब तो क्या करेंगे और तब मुझे मैंने मतलब समझ में आई चीजें क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि कोई बड़ी मूवमेंट ही होनी चाहिए बॉडी है, हैवी ऐसा कुछ तो होना चाहिए उससे ही आपको लो पॉइंट मिलेगा यू you नो know? मुझे कभी आपका ऐसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोई चीज मिल जाए जो आपको रियलाइजेशन दिलवाए कि नहीं यार लाइफ में कुछ चीज़ें गलत चल रही है जिसको आपको सुधारने की जरूरत है और वो शायद एक एक फिल्म देखते देखते आ गई तो तब वो मुझे रियलाइज मरने का खौफ था ना उस टाइम मर जाओगे आप दूसरे दिन आप बीमार पड़े हो और वो ऐसे बीमार में हो बीमारी में हो कि मर जाओगे <laughs> वो कितना डर है बड़ा डर था <laughs> तो उस टाइम में समझ में आया कि नहीं यार फैमिली को सिक्योर बनाना चाहिए तो हर मोमेंट को एंजॉय करना बहुत जरूरी है मुझे लगता है जनता आपके साथ ज्यादा रिलेट करेगी हाँ ज्यादातर लोगों को ये लगता था कि ये हमारे बीच का लड़का है जी इसने झोपड़पट्टी भी देखी है जी ये सौ स्क्वायर फीट के घर में भी रहा है जी और ये दिखता भी हमारे जैसा है जी। कि ऐसा नहीं है तो ब्रेक आइडल आपने जीता हाँ। एक करोड़ रूपए मिला था हाँ। और एक गाड़ी साल तो सच था था में मिली थी हाँ हाँ मिली थी वो मतलब टैक्स भरना था तो टैक्स के ऊपर मैं बहुत झगड़ा किया था सौ का हिस्सा तुम फ्री बोले थे यार अब क्यों पैसे टैक्स देके टैक्स जो भी है हालासा था ऐसा भी नहीं था कि की आपने आपने कुछ काम किया है जिसकी आपको आ, मतलब मिलने वाला है कैसा इंसान की फितरत होती ना देखो है ना मतलब वो पैसा फ्री में मिल रहा है तुमको और फिर भी अब तुमको लालच है कि इसमें से तुम टैक्स भी नहीं भर सकते हो होना तो यह है, है मुझे याद है सूरज ने मेरे, सूरज सूरज हाँ। सूरज ने मेरे को बताया था कि यार सूरज या किसी ने तो बताया था कि जब फाइनल होने वाला था ना हाँ। तो उस टाइम में तुमने किसी से पूछा था कि भाई अगर मैं जीत गया तो मेरे को शो का कितना पैसा मिला पता है कम से कम पचास हजार रूपये मिलेगा <laughs> तो बोला योर रिएक्शन वाज कि पचास हजार रुपये <laughs> एक दिन का <laughs> एक शो पे गाने का जस्ट आफ्टर दैट मेरे ख्याल से दो तीन महीने बाद <laughs> जी जी तीन तीन, तीन लाख रुपए शोज के मिल रहे थे <laughs> जी वो अलग बात है कि वो पैसा <laughs> पास आता नहीं था <laughs> हाँ, उसमें बहुत सारे कमीशन कंपनी था बट वो मिल रहा था अगेन इंडियन आइडल के बाद में सबको सबको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत शानदार थी बहुत पैसे बट उसके बाद भी स्ट्रगल थी ठीक है वो क्या स्ट्रगल थी एक्चुअली पहले तो वो जो आपने बात की उस उसके उसका एक रीज़न भी था क्योंकि बचपन में ना मैं अपनी लाइफ को लाइफ में ऐसा रहा है कि मेरी मुझे मेरी माँ ने बहुत अलग तरीके से पाला है रखा है मतलब क्या बोल सकते हैं उसको अब ब्रीडिंग मेरी अलग रही है तो मुझे मेरा स्कूल थोड़ा दूर मैं माहिम में रहता था और दादर में स्कूल था हमारी बस जो थी उसमें उसको जो भाड़ा था वो एक रुपया लगता था जाने का वापस आने का एक रुपया लगता था तो मुझे बराबर बर दो रुपये मिलते थे एक रुपया जाने का एक रुपया आने का अब मुझे एक वो स्कूल के बाहर इमली मिलती थी ना पहले इमलियाँ वो चाट हाँ चूरन की गोलियाँ ये भी लेने के लिए आ, मुझे वॉक करके आना पड़ता था तो मैं वॉक करके आऊंगा घर

फ्लैशी नहीं रहा हूं लाइफ में क्योंकि मैं ये समझ गया था कि छोटी चीजों में भी आप खुश रह सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको सब मिलेगा या हमेशा एम पैसे के लिए करना चाहिए और तब भी आपको खुशियाँ मिलती है खुशियाँ की ट्रेनिंग होनी चाहिए आपको खुशियाँ पाने की ट्रेनिंग लो खुशियाँ आप सब इमेजिन करके नहीं आते True. तो वो चीज़ में समझ गया था और इंडियन आइडल जब खत्म हुआ तब स्ट्रगल इस चीज का था कि हो क्या रहा इर्ग गिर्द मेरे इर्दिर्द जो लोग हैं वो कर क्या रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ महीने पहले एक लड़का जो एक बिल्डिंग के नीचे एक टूटे हुए पत्थर पे बैठ के <laughs> गप्पे लड़ाया था सिर्फ यू नो कुछ नहीं कर रहे और बैठ के सिर्फ लगाया क्या करे यहां और क्या हो रहा है ऐसे ऐसे चल रही बातें छ महीने बाद एकदम सरकार वाला सीन हो गया जहां पर वो आते हैं ना और फिर ऐसा हाथ आता है मालूम वो सीन है गोविंदा गोविंदा ऐसा हाथ आता है और पब्लिक बाहर ऐसा बैकग्राउंड में तो आ, ऐसा सब कर रहे वो सीन हो गया मतलब यू नो घर पे आए तो नीचे मेरा ग्राउंड है बिल्डिंग के नीचे पूरे लोग भरे हैं और सब लोग ढोल वोल लेके जैसे कि इंडिया मैच जीत गई <laughs> वर्ल्ड कप जीत गया ऐसा हाँ वो एक माहौल है तो अंडरस्टैंडिंग द होल Uh, uh, वो एक माहौल को समझना इट वॉज वेरी डिफिकल्ट और वो चीज को समझने में लोगों को समझने में कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ आपकी तारीफ करने के पीछे या आपसे कुछ काम निकालने के लिए खड़ा है ये समझना बहुत डिफिकल्ट था और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपने कहा ना कि जब ऊपर जाता है तो लोग आपको बोलते हैं अरे तारीफें होती हैं अरे यार क्या बात है वो जब आप थोड़ा सा नीचे जाने लगे तो ये आप, चलता नहीं आज ये ये चलता नहीं आज उसमें, हाँ, उसमें फिर और चीजें ढूंढते वो लोग कि कैसे उसकी नाकामयाबी कैसे हम जस्टिफाई करें भाई उसकी नाकामयाबी उसकी है ना तो क्यों जस्टिफाई कर रहे हो यू नो तो ये उसमें रहती है चीजें और वो फिर समझना कि क्या करे अपने साफ फिर रियलाइज हुआ कि नहीं अपने आप को देखना जरूरी है लोगों को देखने से ज्यादा एंड स्ट्रगल यही है बाकी कुछ नहीं था क्योंकि मेरी लाइफ बहुत मतलब टचवुड टचवुड जो भी है एक अच्छी रही क्योंकि मेरी जो वाइफ है उसके साथ मेरा सात साल का एक, एक बहुत लॉन्ग रिलेशन रहा पहले शादी से पहले तो एक स्टेबल हम लोग शेयर बहुत करते एक दूसरे के साथ वो पहले भी मैं शेयर उसी के साथ करता था सारी चीजों के बारे में क्या करना है या इवन इंडियन आइडल में एंट्री लेने के लिए भी उसने ही बोला कि तू ये फॉर्म भर करके आई वॉज नॉट सो होपफुल उसके पहले के ऑडिशन अच्छे नहीं गए थे तो वो एक experience था तो हम लोग बहुत बातें करते थे और चीजें तीन चार ही होती है एक नॉर्मल इंसान के लिए एक घर हो आपका एक छोटा मोटा बैंक बैलेंस हो अच्छी वाइफ हो लाइफ सेट है और क्या चाहिए आपको दैट वाज द होल थिंग उस टाइम पे सबसे हाँ। ज़्यादा क्या चीज़ एंजॉय किया आपने मैंने आ, फैन बेस एंजॉय किया आ, लोगों का रिएक्शन मुझे बहुत मज़ा आता था जब लोग मिलते थे अपनी कहानियाँ कहते थे और उनकी कहानियों में आप हो कैरेक्टर यू नो ये कितनी बड़ी बात है यू नो मतलब वो हर चीज़ बोलेंगे आपको कि मेरी लाइफ का ये हुआ ऐसा हो ऐसा लेकिन उसके लीड कैरेक्टर आप हो तो वो स्टोरियाँ अलग अलग है हर किसी की किसी के किसी के घर का एक महीने का राशन ही आपने छीन लिया हो <laughs> वोट दे देंगे वोट दे देके <laughs> उसने पैसे पूरे खत्म कर दिए उसका बाप मारना है उसको तो हर स्टोरीज अलग थी और उसमें हर बार आप ही मेन लीड हो तो वो स्टोरी सुनना वो बहुत मजेदार थी और क्या चीज से एकदम इरिटेटेड हो गए थे व्हाट यू डेंट एंजॉय एट ऑल इरिटेशन इस बात की है कि आप पे बिना बोले एक ना दुनिया आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है वो सब यही समझती है कि ये प्रोटोकॉल है ना आपने ये पाया तो आपको वो पाना है आप पहली स्टेप चढ़ गए दूसरी स्टेप चढ़नी है ये जो चीज़ थी वो बहुत एक तरह से इरिटेशन थी क्योंकि एक एज एन आर्टिस्ट आल्सो आर्टिस्टिक माइंड को जीने देते नहीं हम हम लोग नो हम लोग सबको एक ही फॉर्मेट में डालना चाहते और वो सबसे इरिटेटिंग uh, पार्ट था सेकंड इरिटेटिंग पार्ट मेरे लिए ये था कि नॉन फिल्म म्यूजिक खत्म हो रहा था उस टाइम में yes. like, uh, खत्म कर रहा था तो हर चीज जब भी एल्बम के बारे में बात करने जाओ तो रहे अभी नहीं चलेगा पता नहीं रिलीज करके क्या होगा uh, आएगा ही आए, नहीं आएगा ये था तो ये दो मेन इरिटेटिंग पॉइंट्स थे लाइफ में। तो अभी आप इतने पॉपुलर बन गए और मुझे याद है 2005-2006 में तुम्हारे कम से कम सौ सौ शोज हुए होंगे उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पे शो नहीं हुए जी। हर जगह लोग मिल रहे हैं कोई फिल्म का ऑफर दे रहा है जी। कोई टीवी के लिए ऑफर दे रहा है कोई कुछ ऑफर दे रहा है चलता रहा उस टाइम में आपने क्या क्या गलतियां की हाँ. जो आपको लगता है कि शायद मुझे वह सब गलतियां नहीं करनी चाहिए थी और ये सवाल भी इसलिए जरूरी है कि जो आपके साथ हुआ है ना उस लेवल पे नहीं बट वो हर दो तीन महीने में किसी ना किसी के साथ होता है हाँ. किसी का गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है हाँ. वो किसी गांव में रह रहे हैं किसी का नॉन फिल्म या फिल्म में गाना हिट हो गया जी. या किसी का इन्फ्लुएंसर का वीडियो हिट हो गया मान लो बचपन का प्यार फॉर एग्जाम्पल कुछ भी तरीके से हिट हुआ आप पॉपुलर बन गए और आपको बहुत सारे ऑफर्स आते हैं हाँ। आपकी जिंदगी अचानक बदल जाती है हाँ। तो उस मोमेंट पे आपकी क्या क्या गलतियां थी आपको क्या लगता है हाँ। ताकि लोग वो गलतियां नहीं करें। मुझे uh, मुझे लगता है कि uh, गलतियां ऐस, ऐसा टर्म मैं शायद ना यूज करूं इन चीजों को क्योंकि वो भी एक यू you नो know, आप रास्ता है चलने का एंड अगेन वट आई सी नो मैं अपनी जर्नी को सिर्फ जर्नी एज अ जर्नी देखता हूँ क्योंकि सक्सेस और फेलियर मुझे नहीं पता है ना मैं कि, मैं अगर सब कुछ सही कर रहा हूँ और मैंने देखे भी ऐसे लोग जो सब कुछ सही किए लेकिन उसके बाद भी उनको सक्सेस मिलेगा इसकी गारंटी तो है ही नहीं बिल्कुल भी नहीं तो सही और गलत को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम कैसे ये बोल सकते कि ये गलत गलती थी या हाँ मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं कोई इंटॉक्सिकेशन में अगर मैं यू नो अल्कोहलिक बन गया हूं या कोई नो you अफेयर know, उफेस वाली चीजें हैं अगर ऐसी कोई चीज़ है तो मैं उसको गलती समझ सकता हूँ मेटेरियलिस्टिक चीज हो या जुआ खेलना है ऐसी कोई चीजें हैं तो वो गल गलती हो सकती है बाकी सारी चीजें जो थी वो एक्सपीरियंस थी जैसे मैंने फिल्म कर ली एज एन एक्टर यू you नो know, मेरा कोई भी मतलब दूर दूर तक मैं आज भी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ एक लाइन मैं एक फ्रेम एक फेज प्रॉपर फेज नहीं बना के बोल पाता हूँ और मैंने फिल्म कर ली यू नो एज अ लीड एक्टर तो और वो छह महीने का अपनी पीक टाइम में मैं छह महीने उनको दे दिए लाइफ के तो ये आप बोल सकते कि गलती थी लेकिन मुझे उसके बाद मैं फिल्म आ, के प्रोसेस में मैं बहुत कुछ समझा म्यूजिक के बारे में आर्ट के बारे में एक्टरों के बारे में कि कितना डीप जाते हैं लोग एक एक कैरेक्टर को समझने में कैरेक्टर आर्टिस्ट खासकर कितनी कितने डिटेल में उन चीज़ों को समझते हैं और वो एक आ, कहे तो एक अनमोल एक्सपीरियंस भी है यू नो आ, जो जिसने मुझे ठहराव भी लाया मेरे अंदर कि हाँ यार हम इस तरह से भी दुनिया को देख सकते हैं कि क्यों सिर्फ हाँ सक्सेस मिल वो फिल्म चल जाती तो बात ही अलग थी ऐसी बहुत सारी गलतियां गलती हाँ है ये गाड़िया मैंने हाँ ये हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट जो थी पैसा जमा करना या सही तरीके से इन्वेस्ट करना वो मैं जल्दी नहीं सीखा बट वो भी मुझे लगता है कि मैं उस एज में ही था कि वो मैं सीख भी नहीं सकता था उसके लिए कोई तो मेरे साथ होना चाहिए था फैमिली का एक सपोर्ट होना चाहिए था जो इन चीज़ों को सही तरीके से इन्वेस्ट करे सही तरीके से वो वो प्रेशर निकाले मेरे सर से एज एन आर्टिस्ट मैं अपनी चीज़ें ठीक से फिर कर सकूं तो ये एक चीज़ थी बाकी मेरे लिए सब एक्सपीरियंस थे इतने सालों का जितने भी सालों में मैं जिया हूँ अभी तक उन सारी चीज़ों में जैसे कहता हूँ कि मैं एक टीन के घर में भी रहा हूँ पत्रों के सिर्फ पत्रे हैं और चूल्हा है ऐसे भी घर में मैंने कुछ दिन बिताया मेरे, तो मौसी, मेरे के मौसी के घर पे रहता था बट उधर भी खुश था वो डब्बा लेके पहाड़ पे जाना पड़ता था <laughs> उधर <laughs> और रात होगी तो आप नहीं जा सकते तो रात में क्या करे फिर तो पुशअप कर लो क्योंकि <laughs> <laughs> क्योंकि पॉसिबल नहीं है अभी जाना यू नो तो बट उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो खुश है हम लोग फिल्मों में दिखाते हैं यार कि गरीब आदमी पीछे बैकग्राउंड सैड बैकग्राउंड लगा के यू नो दिखाते कि गरीब आदमी कितना दुखी है ऐसा नहीं है भाई हर दुनिया में आदमी खुश रहना सीखता है उसको पता है कैसे खुश जो. रहना है हम उसको दुखी कर रहे हैं और हम खुद दुखी हो रहे हैं उसको देखकर कर हाँ बटी कितनी छोटी चीजें हैं बट कितनी इम्पोर्टेंट रही है ये ही तो इम्पोर्टेंट है हाँ तुम्हारी लाइफ में प्रेशर ही नहीं और कुछ हाँ तुम्हारे महीने का खर्चा है बारह सौ रुपए करेक्ट वो भी घर वाले मिलकर कमा नहीं पा रहे तो तुमको कंट्रीब्यूट करना है दो सौ तीन सौ रूपये तो तुम्हारी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल तो क्या ही होगी Correct. कुछ यही छोटे छोटे स्ट्रगल से होती है बट अगेन वो शायद लोगों को पता नहीं चलती है लोग देख नहीं ah. पाते तो अभी इनकम की बात की तो ज्यादातर लोग ना ये सोचते है कि अभिजीत सावंत आज यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं ah. है कल वहां परफॉर्म करते और साल के सौ शोज किए तो अगले पांच साल अगर सौ सौ शोज भी किए तो ५०० सौ शोज किए हाँ और अगर दो लाख रुपए भी मिले तो सौ करोड़ रुपए कमा लिए जी 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 है ना कैलकुलेशन यार, मेरा मैथमेटिक्स से होगा, दस करोड़ हाँ. ऐसा लगता है ना बहुत पैसे एक्चुअली में हुँ. तुमने जब इंडियन आइडल जीता उसके बाद में अगर कोई शो दो लाख रुपए का होता था या तीन लाख तीन मुझे थ्रे, 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 नाँग 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 बना के दे देता था, था कि इतना टोटल आ गया तो तभी इन चीजों में पढ़ा नहीं कि एग्जैक्टली कितना परसेंट मुझे आ रहा है बट आई एम अज्यूमिंग मुझे सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट तो आता ही था क्योंकि तभी कुछ ट्वेंटी परसेंट उन लोग का ऑफिशियल फी था और फिर बाकी का आप मान लो खर्चा वर्चा दस परसेंट है म्यूजिशियन uh, है सब कुछ चीज़ें हैं तो एक सेवेंटी परसेंट पकड़ ले सकता हूँ मैं तो जस्ट जो भी ऑडियंस देख रही है उनकी कन्वीनियंस के लिए कि जो भी पैसा आपके नाम पे लिया जाता है सबसे पहले एक एंड क्लाइंट है जो पैसा देता है जी उसके बाद एक बीच में मीडिएटर होता है उस जमाने में मैं मीडिएटर था काफी सारे शोज बुक की तो हम पांच परसेंट दस परसेंट कुछ पैसा सर्विसिंग फीस रखते फिर वो पैसा आता था, था कंपनी के पास कंपनी उसमें से परसेंट रखती थी जी। मतलब अपना है, Sony, 20 जी, जी, जी। उसके बाद आप का पेमेंट करते थे जी। अगर म्यूजिशियंस होते थे जी। उसके बाद जो पैसा बचता था वो आपके पास इनकम टैक्स देते थे अगर सौ रुपए आपके नाम पे लिया भी जाता था जी। आप जिस पैसे को यूज कर पाओ वो बचते बचते पच्चीस रुपए ही बचता था पच्चीस तीस रुपए बचता था जी। तो ये तो उस टाइम की बात हो गई आज के दिन हाँ। अभी फिलहाल आप क्या क्या कर रहे हो आपका मेन टाइम कहाँ बीतता है हाँ। और इन टर्म्स ऑफ इनकम व्हाट इज द ऑफ इनकम यू डू मेनली तो शोज मेन तो परफॉर्मेंस ही है ट्रैवलिंग इज माय मेन बिजनेस Uh, मतलब ट्रैवलिंग क्या शोज करना, शोस करना। बाए, बाए बिजनेस है तो वो सबसे सबसे बड़ा इनकम भी उसी से आता है रॉयल्टी uh, बहुत ही कम आती है बहुत बहुत ही ज्यादा कम क्योंकि इतने एल्बम्स जो भी है उससे ही आता है सोनी इज बिन वेरी काइंड टू मी कि वो खुद ही पूछते हैं कि भाई तेरा चेक है ले दैट वे ले। you know, so एक वो है छोटा सा इनकम बट मेन इनकम इज ऑलवेज बिन परफॉर्मेंसेस और आप किस किस तरीके के लाइव शोज करते हो आई डू एवरी टिकटेड से लेके आई डू फैमिली प्राइवेट कॉपोरेट्स बिकॉज एक परफॉर्मर को हर चीज़ करने आनी चाहिए मुझे हमेशा एक मैं ये मानता था और सेकेंडली uh, मैं मतलब मेरी जो मेरी जो म्यूज़िक uh, की जो परवरिश है वो खासकर परफॉर्मेंस करते करते ही गई है तो मैं हमेशा ज्यादा तो टाइम स्टेज, स्टेज पे ही बीता है मेरे का। तो मैं हमेशा उस चीज को ज्यादा एंजॉय करता हूँ तो का मतलब वो सुनील पाल का जोक था मैय उठाऊंगा उधर तक नहीं पहुंचाऊंगा <laughs> <laughs> उधर तक तो फिलहाल तो नहीं आया लेकिन डॉक्यूमेंट्री का बहुत अच्छा टाइटल है लुटाऊंगा से मैयत लुटाऊंगा हाँ मुझे तो उधर तक नहीं पहुंचा लेकिन यह अब तक मतलब जो भी जहां पर भी रिस्पेक्ट मिले जहां पर भी अच्छा पैसा मिले और जहां पर मैं अपन अपने कैटेगरी में परफॉर्म कर पाऊँ तो मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि मैं सवाल पूछ क्यों रहा हूँ हाँ जब भी लोग सिंगर बनना चाहते हैं हाँ। जैसे आपने बोला ना कि कुछ लोगों को देखते हैं गाना नहीं आ रहा है कुछ कर नहीं रहे बहुत कम लोगों को एक्चुअली ये समझ में आता है कि सिर्फ फिल्मों में गाना गाना जी या नॉन फिल्म करना ही म्यूजिक की एंड नहीं गोल नहीं है जी म्यूजिक काफी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है जी कुछ ऐसे लोग हैं जो हैं जो एड्स एड्स बनाते और वो बनाने में माहिर है जी अच्छा काम करते हैं कुछ लोग स्टूडियो म्यूजिशियंस है प्रोग्रामिंग प्रोडक्शन करते हैं कुछ लोग टीवी के लिए काम करते हैं जी। कुछ लोग कुछ लोग ओटीटी के लिए काम करते हैं अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं वैसे ही लाइव शो एक अलग दुनिया है जी तो जरूरी नहीं है कि जो फिल्मों में गाने गा रहे हैं हाँ। या पॉपुलर है वो लाइव शो में भी पॉपुलर हो जी तो लाइव शो आप आपने बोला कि आपका सबसे ज्यादा टाइम लाइव शो में जाता है ऑन एन एवरेज आप साल में कितने लाइव शो करते हो साल में सौ के आस आज... सौ तो नहीं होंगे बट 50 प्लस तो होते ही है और रेलेवेंस आज भी इंडियन आइडल है हाँ एक्चुअली रेलेवेंस अभिजीत सावंत है और वो मतलब मैं आपने मतलब नहीं नहीं तो आ, 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 सच सच है है तो सच है। क्योंकि क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि लोगों के कहानी कहानियां आपके ऊपर और उनके बीच में आप मेन तो लोग रिलेट बहुत करते हैं अभिजीत सावंत से मैं अपने आप को ये नहीं मतलब बड़ी बात ये नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन उनको पता है कि अभिजीत सावंत कौन है कई बार लोग बोलते अरे अभिजीत सावंत सारे ऐसा भी हुआ है बट दे रिलेट टू अभिजीत सावंत दे रिलेट टू माई फेस उन कभी कभी होता है कि वो गफलत कर देते हैं शो में कभी कभी दे दे की यू आर पॉपुलर ये हुए होता है बट दे नो हु आई एम हाँ मेरे लिए तो अभी भी हमारे जनरेशन के जितने भी लोग हैं जो भी टू थाउजेंड 2007 तो टीवी देखते थे। हाँ। उनके लिए अभिजीत सावंत तो रियलिटी शो इज लाइक रामदेव बाबा तो इंडियन आइडल तो रियालिटी शो बोलने से सीधा अभिजीत सावंत मेरे ख्याल से देट इज देंड ऑफ रेल तो मेरा एडवांटेज है हाँ, थोड़ा हाँ, सा हाँ। पचास शो करते जस्ट फॉर सेफ सि आपको एवरेज पे कितना पैसा मिलता है एक शो में कितना पैसे मिले है? ये तो भाई मेरा फिर इनकम टैक्स <laughs> नहीं पचास शो हाँ बट इतना काफी मिल जाता है कि मैं एक अच्छी एक अच्छी लग्जरी लाइफ भी जी सकता हूं अगर मैं चाहूँ तो अब तो मॉडर्स भी हो रहे हो और फॉर्मल भी हो रहे हो क्यों यार मैं, मैं, मैं अभी ये, इसको अभी क्या पता चलना जरूरी है क्योंकि बहुत लोग ना अपने हाँ। करियर में बहुत कन्फ्यूज है उन लोगों को ये पता ही नहीं कि हाँ। प्लेबैक आना जरूरी नहीं है हाँ। ऐसे बहुत सारे प्लेबैक सिंगर हैं जिनके गाने हिट है ऐसे बहुत सारे कंपोजर्स हैं जिन्होंने काफ़ी गाने कंपोज किए सुपर हिट गाने कंपोज किए हैं लेकिन लाइव एक अलग दुनिया है लाइव में भी टिकटेड शोज बहुत कम होते टिकटेड शोज को छोड़ के शादियों के शोज प्राइवेट शो जिसको हम बोलते हैं शादी बर्थडे एनिवर्सरी uh, किसी को मुडे सेलिब्रेट करने का सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स गवर्नमेंट फेस्टिवल्स ये बहुत बड़ी दुनिया है जी करेक्ट और यू कैन एक्चुअली मेक डीसेंट अमाउंट ऑफ मनी बाय जस्ट परफॉर्मिंग लाइव एज वेल है ना दैट्स माय पर्पस ऑफ आस्किंग नथिंग एल्स मुझे इवन यही चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं यही मतलब बताना चाहता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं कि ये अलग है और ये यू you नो know, आप शोज कर रहे हो मतलब आप कहीं पर छोटे हो नो? कि आ अरे यार सिर्फ शोज कर रहे हो या ये कर रहे रहे हो हो या बट ऐसा नहीं है एक हर एक आर्टिस्ट जैसे एक एक्टर्स हैं ड्रामास के एक्टर्स अलग हैं करेक्ट वो ड्रामा कर रहे हैं वो भले उनका एक टिकट पचास रुपए का रहेगा लेकिन उनकी कला में आप शक शक नहीं कर सकते करेक्ट उनकी काबिलियत पे आप शक नहीं कर सकते वैसे ही जो स्टेज आर्टिस्ट है वो स्टेज आर्टिस्ट हैं और वो परफॉर्मेंस वो परफॉर्मर है उनको दे एंजॉय परफॉर्मिंग और वो भी उतनी ही है जितना एक प्लेबैक सिंगर है या जितना एक पॉप सिंगर है या कोई और ये है हमें ये ये दुनिया में भी ये चीज़ एक अच्छी बात छेड़ी आपने एक्चुअली कि लोगों को और आने वाली जनरेशन को भी समझ में आना चाहिए कि हर आर्टिस्ट अपने-अपने जगह पे अच्छा कर रहा है और right? वो काबिल है हमें उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए इस तरह से और और खुद को भी ये नहीं समझाना चाहिए कि नहीं 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 यार मैं ये कर रहा हूँ मतलब ये छोटी चीज़ है या वो कर रहा हूँ मतलब बड़ी चीज़ है इस, इस बहुत सारे प्लेबैक सिंगर या बहुत सारे सिंगर्स हैं ऐसे सारी हम अगर बात करें True. जो भी म्यूजिक बाहर आता है ज़्यादातर पैसा आपको लाइव लाइव शो शो से ही से जुड़े आर्टिस्ट, जी। इतना अहम हिस्सा है हर एक की लाइफ में जैसे कि पानी हवा और सनलाइट है वैसे भी उसी तरह से म्यूजिक आज बिकॉज ऑफ नो आपका म्यूजिक कट हो गया लेकिन यू रिमेम्बर हम लोग के टाइम में बाजू के घर में रेडियो बज रहा है और वो पड़ा ही रहा है आपके कानों में आप कहीं शॉपिंग पे जाते हो तो म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा है True. गाड़ी में बैठ रहे हो म्यूजिक है घर पे, है।, पे है और म्यूजिक है हर जगह पे साउंड है और म्यूजिक है पर उसको हम उतना वैल्यू uh, नहीं देते और ये हमें ये आई एम वेरी ग्लैड टू टू कम हियर एंड सिट इन एंड डिस्कस ऑल दिस थिंग म्यूजिशियन को इस तरह से मतलब थोड़ा सा हमें बढ़ना चाहिए हमें बताना चाहिए लोगों को और लोगों को लिटरेट करना है पड़ेगा कि म्यूजिशियन बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं प्लीज उनको आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेट मत करो इस तरह से मत देखो कि यही करने वाले लोग ही अच्छे हैं और ये करने वाले एक टाइम ऐसा आ गया था जैसे रियलिटी शो से रियलिटी आया है, नहीं है, नहीं है, अच्छा नहीं है नहीं का क्या है। एक बिकम अ है शुरू शुरू में दो तीन साल था मेरे ख्याल से कि रियलिटी शो से जो आते थे वो थोड़े से अंडर हाँ, वैल्यूड थे साइकोलॉजिकली न हालांकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी आर्टिस्ट ही है ना करेक्ट और, और ऐसे कितने आर्टिस्ट है जो अपनी अपनी कैटेगरी में कुछ भजन के सिंगर है हाँ कुछ क्लासिकल गाते हैं कुछ डिवोशनल गाते हैं कुछ रीजनल गाते, गाते हैं कुछ फोक गाते अलग हैं अलग-अलग एरिया हर 50 100 किलोमीटर में एक अलग स्टाइल है बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टेट है जहाँ पे मतलब रेगुलरली ये होता है सो द लाइव इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री इज मच मच बिगर देन द रिकॉर्डेड इंडस्ट्री सो हम आपको पता मतलब हमने देखा है कई जब हमारे टाइम में कई ऐसे स्टेज आर्टिस्ट थे जो हमारे स्टार्स थे करेक्ट है ना हम लोग के अरे यार ये कितना इसका शो देखने जाना है उसका कोई गाना नहीं रिसेंटली you know, kind of तो... हाँ, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ सागर कवाली हाँ, मैं, है, बिस्मिल की महफिल की महफिल तो ना उनका क्रेडिबिलिटी है कि वो YouTube पे कोई गाना हिट हाँ, है या Spotify पे हिट है या कोई प्ले बैक है या नॉन हाँ, फिल्म है सिर्फ उनका जो प्रेजेंटेशन है हाँ, लाइव का उस प्रेजेंटेशन के लिए उनके शो की टिकटें भी बिकती हैं हाँ वो वो एक आ रहा है एंड थैंकफुल टू मतलब ये सा लोगों ने कैसे बदलाव लाए हैं ना चीज़ों में आज आज वापस वो चीज़ें आ रही हैं और एक पुराना पूरा, पूरा सर्कल वापस घूम के आ रहा है बट यार जैसे हमने कहा कि यू नो वो एक टाइम आ रहा है क्योंकि हम लोग भी कितने ऐसे लोगों के शोज देखने जाते थे कि अरे यार ये परफॉर्मर को देखना है ये है? सिंगर को सुनना है जाके जैज़ बाय द वे में शोज uh, होते थे तो पागल होती थी लड़कियां उधर अब ये कौन लड़का है जो उठ के फिर बाद में है, क्या कितने बट स्टेज पे आने का वो स्टार होता था है ना उसकी वैल्यू अलग होती थी और ये दुनिया अलग है।, है लोगों को सब थोड़ा सा थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा उनके उनके तरफ और थोड़ा सा इस, इस चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई जो टीवी पे दिख रहा है या फिल्मों में दिख रहा है वही दुनिया नहीं है आर्टिस्ट एक, आर्टिस्ट एक का का कैनवास कैनवास बहुत बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है है आर्ट लेकिन जब तक आपकी ऑफरिंग यूनिक नहीं है जो हम सागर की बात कर रहे हैं या बिस्मिल की बात कर किसी की भी बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी ऑफरिंग यूनिक है जी इसलिए लोग उनको सुनना चाहते हैं जी सो मेरे ख्याल से ऑफरिंग यूनिक होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप करते क्या हो जी एग्जैक्टली ठीक है बहुत स्मार्टली आपने नहीं बताया कि आप साल में कितना पैसा कमाते आपसे तो कम ही कमाता होगा कमाता हो, <laughs> <दो गावादा> हो। <laughs> नहीं तो मैं ऑडियंस <laughs> को खाली थोड़ा हेल्प करने के लिए बता देता हूँ कि आई विश ही मेक्स मच मोर एंड मोर मनी बट इट इज अर्निंग इज इन करोर्स एंड नॉट इन लैक्स वोट इट द नंबर भी है ना बट यू नो ये सारी चीजें जो है आई मस्ट से दिस कि पैसे को किस तरह से uh, बढ़ाते जाना है ये आई लर्न फ्रॉम यू क्योंकि हमेशा योर विजन वाज़ ऑलवेज बिन बेगा हाँ और वो तभी से मतलब आई रिमेम्बर आई डोंट नो यू रिमेम्बर और नॉट जुनून रिलीज ही हुआ था Correct. हम लोग फ्लाइट से कहीं से जा कहीं पे जा रहे थे एंड यू सेड कि अरे अभिजीत अभी तुम्हारा फीस सात लाख होना चाहिए अभी एल्बम आया मैं तो, सात लाख इतना पैसा मुझे मिलेगा <laughs> बट यू हैड दैट विजन कि नहीं आर्टिस्ट की कीमत आर्टिस्ट को खुद को पता होनी चाहिए और वो कैसे है ये उसको समझ में भी आना चाहिए तो मैं पहली बार ये किसी को बता रहा हूँ हाँ। मैंने किसी को बताया नहीं मैं सोचता कैसे हूं मेरे को ऐसा लगता है कि हम नेसेसिटी नहीं बेच रहे हाँ। अगर मैं आटा दाल चावल जो भी जीने के लिए जरूरी चीजें हाँ। अगर वो बेचू तो मैं कभी भी प्राइस बढ़ाने के बारे में बात नहीं करूंगा okay. अगर आपको म्यूजिक सुनना है आप रेडियो पे फ्री में सुन सकते हो यूट्यूब पे फ्री में सुन सकते हो अब आप लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो ये लग्जरी है दिस इज नॉट नेसेसिटी जब हम लग्जरी बेच रहे हैं एवरीथिंग इज डिमांड एंड सप्लाई अगर आपकी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम शेयर मार्केट जैसे चलती है ऑयल के प्राइसेस जैसे होते हैं जी जी। तो अगर आप आ, और जो ah. आदमी ज्यादा खर्च होता है वो ज्यादा लंबा चल नहीं पाता हाँ, हाँ, तो अगर आपको एक साल ही काम करना है हाँ, तो धड़ल्ले से सारा काम कर लो बट बीस साल काम करना है तो हाँ, और तो मेरी ये दो ही बात है कि हाँ, पहली चीज मैं नेसेसिटी नहीं बेचता हाँ, हम लोग लग्जरी बेच रहे हैं दूसरी चीज डिमांड सप्लाई का गेम है और तीसरी चीज है कि लंबा चलना है हाँ, तो लंबा चलने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है या पूरी दुनिया जब बोल रही है तुम पागल हो लेकिन तुम अगर मेहनत कर रहे हो हाँ तो चलता है कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है।, है हम लोग अभी नो में चले जाएंगे मेरे को एक्चुअली सब <coughs> मैनेजरों ने बहुत सिखाया ये सब चीज़ें uh, this kind ऑफ यू नो अंडरस्टैंडिंग क्योंकि आर्टिस्ट हमें ऐसा था कि मुझे घर नहीं बैठना है जू? मैं मुझे चलते रहना है आई I परफॉर्म आई गो here देन लोग मिलते थे या दोस्त मिलते थे या आप जैसे लोग मिलते थे वो बोलते थे कि भाई रुक जा यू नो टेक इट इजी इतना भी भागने की जरूरत नहीं है या चीज़ों को समझने की जरूरत है और ये हैंड इन हैंड जाना एक दूसरे पे बिलीव करना आर्टिस्ट एंड मैनेजमेंट या मैनेजर ये इसी से ये ये चीज़ डेवलप हो सकती है और एक और मैं एक्चुअली बात करते करते मैं जो बोल रहा हूँ ये भी सही नहीं है हाँ एग्जैक्टली सही नहीं है ये मेरी सही बात है हाँ जो मेरे लिए सही है हाँ बट वो जरूरी नहीं है वो किसी और के लिए सही हो हाँ। वहीं पे वहीं पे तो वो चीज आ जाती है ना फिर मैं वही बोलो कि हैंड इन हैंड आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट हम जब मिलेंगे और हम जब एक दूसरे बिलीव करेंगे कि हाँ ठीक है ये बोल रहे लेट इट गो थोड़ा सा फ्री हैंड करो आप बोल रहे हो थोड़ा सा फ्री हैंड इसकी तरफ उसके बीच में देर इज नो ब्लैक और व्हाइट इज नो ब्लैक एंड व्हाइट इट्स अ ग्रे शेड यू नो और वो ग्रे शेड को समझने की बहुत जरूरी है और लोग यही नहीं कर पाते इंपॉर्टेंट यही है कि एक, एक तरफा रुक जाते एक तो कोई तो एक छोर खींच लेता है बोलता है कि मेरे तरफ आओ नहीं तो आप दूसरा बोलते हैं मेरी तरफ बीच में नहीं रहना बीच में नहीं रहना चाहता और बीच में ही सत्य है <laughs> <laughs> ऐसा कोई ऐसी कोई बात याद है जो उस टाइम बहुत सीरियस लगती थी कि मेरी ये जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाद में चार पांच साल बाद बहुत हंसी आती है यार क्या फालतू में मैं इस चीज पे इतना टाइम वेस्ट कर रहा था ऐसा कुछ हुआ आ, एक तो लग्जरी चीजें खरीदने में मेरा मन आ, मतलब थोड़ा सा खट्टा हो गया खासकर कार्स के बारे में मतलब एक टाइम था कि इन्होंने अच्छी अच्छी लग्जरी कार होना बहुत इम्पोर्टेंट था और फिर बाद में रियलाइज हो गया यार क्या ये तो डिप्रिशेट हो रही है चीजें वो कार की इसमें एंड देन आई रियलाइज की कि हम ज्यादा बार चीजें इसलिए खरीदते हैं कि लोगों को दिखा पाए फिट इन होना हाँ हाँ कि वो सोसाइटी में फिट इन होना है तो हम अपने आप पे बिलीव ही नहीं करते यार यू नो आई वी ऑलवेज थिंक कि मुझे ये सोसाइटी में या ये जगह पे खड़ा होने के लिए मुझे ये चीज लेनी पड़ेगी तब मैं इस सोसाइटी में फिट हो पाऊँगा मुझे या इन लोगों के साथ घूमना है तो कहीं ये कुछ बोलना दे इसलिए मुझे ऐसा बिहेवियर रखना पड़ेगा हाँ. और हम अपने आप पे बिलीव ही नहीं करते अपने आप को समझ में ही नहीं थे नहीं पाते हम अपने आप को सवाल ही नहीं पूछते कि भाई मैं कैसा हूं ठीक है कोई हो सकता है जिसको पसंद है चीजें खरीदना वो खरीदे लेकिन तुम अपने आप को तो पूछो पहले तो मैंने ये समझ में आ, मुझे ये समझ में आया कि भाई चीजों के पीछे अगर भागना है तो दिल से भागो और नहीं चीजें करनी है तो मत करो यू नो थिंग्स कि ये चीजें करनी है नहीं करनी है भाई सबसे डिफिकल्ट डिसीजन क्या था आज तक कर शादी करना <laughs> अभी आप सोचो दुनिया गागा हो रही है आपके लिए यू <laughs> नो लड़कियां रोज घर पर आ रही है एक लड़की आ गई फिर डैडी को लेके आपने पिताजी को लेके आ गई बोलती है अभिजीत ने लव लेटर लिखा है मेरे लिए लिखा था लव अभिजीत सावन ने ऑटोग्राफ दिया फिर <laughs> डैड अपने पिता को लेके आ गई बोल तो और वो मतलब उसके पिताजी मेरे से झगड़ा कर रहे हैं मतलब क्या है मैं देखो मैं आपने मतलब मम्मी मम्मी थी देखो आपके लड़के ने लिखा है यू नो ये सब चल रहा है यू रिमेम्बर एक बार हम लोग एक कहीं शो पे ही थे और छोटा सा होटल था ऐसा एंड आप रूम में बैठे हम लोग और बोले कि बाहर कुछ लोग हैं थोड़ा सा फोटो वोटो तो खींचना है ऑटोग्राफ देखे निकलने वाला ठीक है दरवाज जैसे खोला तो कॉरिडोर में सिर्फ लड़कियां थी आ, <laughs> सिर्फ भरा हुआ है है पूरा एरिया भरा हुआ सिर्फ कैसे है। तो वो सब चल रहा है ना उसके बीच में आप इतना करेजियस डिसीजन ले लेते हो कि ठीक है अभी मैं शादी करूंगा भाई बट सबसे फनी इंसिडेंट क्या <laughs> फनी तो बहुत सारे रहे जैसे मेरी एक तो न्यूज़ आई थी आ, मेरा मतलब मुंबई का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है तो मैं घर पे आया फर्स्ट अप्रैल था तो मम्मी मेरे डैड को ढूंढ रही है क्योंकि उस दिन डैड कहीं पे बाहर थे तो, तो मैं मैं शो से आ गया था घर पे तो बोले कि क्या मैं बोला डैडी कहाँ है डैडी कहा है पपा है बोला क्या हो, होगा क्या बोलते तू पेपर में फोटो छपा है जिसमें तेरी शादी हुई है और बाजू में डैडी पगड़ी पन के हंस रहे हैं सर करके पिक्चर सेट करके तो मम्मी भी चीटेड फील कर रही होगी और <laughs> 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 मम्मी बोले तुम लोग ये क्या कर रहे हो तभी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि फोटो को ऐसा बना कैसे सकते यू नो तो बना कैसे दिया है उसको लग रहा है रियल में है <laughs> कि यार इस तू शादी कर लिया और डैडी को पता है मेरे को नहीं पता है मैं बोला यार तुम ऐसा थोड़ी होता है तो दो मिनट मैं भी शौक था कि और देख के फिर बोला कि अप्रैल फर्स्ट अप्रैल का अप्रैल फुल किया है लोग सत्ता पेपर का नाम न्यूज पेपर तो उन्होंने पे जो हम लोग फोन करे और डैडी भी किधर तो गायब है उसने तो एक वो टाइम गया कि ऐसा एकदम हम लोग सोच रहे कि हो क्या रहा है दैट वेरी फनी भाई दो सवाल है जी. पहला ये कि आपने बहुत जल्दी ना सक्सेस भी देखा क्रिटिसिज्म भी देखा स्टारडम भी देखा और इससे आदमी कभी कभी नर्वस एंजाइटी हाँ. बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है पहली बात तो ये एक्चुअली ना बहुत uh, मेरे लिए बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं समझता हूं कि सक्सेस uh, ऐसी कोई चीज है नहीं मुझे लगता है कि आप खुश हो तो आप सक्सेसफुल हो आप आप चीजों को एंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ को जी सकते हो और मेनली आप अपने आप को समझते हो लोग अपने आप को समझ नहीं पाते और मुझे समझ में आ गया कि मैं अपने आप को समझने लग रहा लग रहा लग गया हूँ तो वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बड़ा सक्सेस है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। हम हम दुनिया से झगड़ तो नहीं सकते ना एक का सक्सेस एक अलग तरीके का सक्सेस है और हम मतलब आप एक पायदान चढ़ते हो और एक आ, किसी को आपने मान लो अगर किसी के आगे आप चले गए तो आपके आगे और एक दिख रहा है तो उसका तो नेवर एंडिंग सफर है यू नो और वो चलता ही रहेगा फिर आप जैसे ऊपर चढ़े जा, चले जाते हो आगे बढ़ते हो फिर उसको बचाने का स्ट्रगल है कि ये कहीं गिर ना जाए आपके हाथ से कहीं फिसल ना जाए ये चीजें और वो फिर वापस स्ट्रगल है तो सक्सेस है क्या दुनिया में ये समझना दो चीजें बहुत मुझे एक स्कैम लगती है दो वर्ड एक तो सक्सेस वाली चीज़ स्कैम नहीं बोल सकते बट एक चीज ऐसी है कि सक्सेस मुझे सक्सेस मैं सक्सेसफुल हूं ये समझना ये और मैं बहुत मेहनत करता हूं ये चीज क्योंकि मुझे लगता है कि यू नो आप आप अगर उस चीज को एंजॉय करते हो उस स्ट्रगल को उस उस माहौल को एंजॉय करते हो तो आप फिर वो आपको स्ट्रगल लगनी नहीं चाहिए वो मेहनत लगनी नहीं चाहिए और और अगर आपको उस चीज का रिजल्ट नहीं मिल रहा है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेहनत बड़ी मेहनत नहीं है आप बोलोगे कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा है तो फिर आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कम मेहनत की लेकिन आपको बहुत कुछ मिल गया तो आपको रियलाइजेशन नहीं कि आपने कितनी मेहनत की है यू you नो know? तो ये इन चीज़ों में वही सक्सेस भी वही है कि ये समझो कि आप मैं मानता हूं कि मैंने बहुत पैसे कमा लिए दैट इज माई सक्सेस आई डोंट नो मैं मेरा नाम हो गया दैट इज माई सक्सेस You know, if I see, uh, तो मैं जब ये सब देखता हूँ जो जिस जगह पर मैं हूँ मेरे दोस्त वहाँ पर नहीं है मैं जिस एरिया से निकला हूँ मैं उस जिस जिस, जिस जगह से बाहर उठाऊ वो उनसे तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए और बहुत जगह बहुत आगे की जगह <coughs> मिल गई मुझे तो दैट इज माई सक्सेस फॉर मी ये भी हो सकता है बट मैं आगे देखता हूँ तो मेरे आगे बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छा किया है जो मेरे से मेरे जूनियर है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूं ये मैं मानू है क्या ये चीज़ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सो समेयर आई बिलीव कि यू you नो know, अगर आप खुश रह सकते हो अपने साथ अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो अपने अपने उस सफर को एंजॉय कर सकते हो और आप अनकंफर्टेबल नहीं हो उस माहौल में ये you नो know, आप जिस भी जगह पर काम कर रहे हो उस जगह पर आप अनकंफर्टेबल नहीं हो और, और आपको घुटन नहीं हो रहे तो आई थिंक आप सक्सेसफुल हो यू you नो know? क्योंकि जर्नी आपकी खत्म नहीं होती आपको आप जब तक जिंदा हो तब तक चीजें बदलती रहती है ऋतु तो आएगा जाएगा कभी सन होगा तो कभी बारिश होगी और वो टाइम टू टाइम बदलते रहेगा आप कैसे एक जगह पे सक्सेसफुल अपने आप को समझ सकते हो जो कल का करोड़पति था आज उसको सुसाइड भी करना पड़ रहा है ऐसी भी सिचुएशन लोगों हमने देखी तो कहाँ है सक्सेस और कल का कोई एकदम ही गरीब आदमी घर पे बैठ के एक वीडियो बनाने वाला लड़का आज स्टार फिल्म स्टार के साथ खड़ा है तो क्या यू you नो know, वो सक्सेस है या नहीं वी डोंट नो आई डोंट खुश रहना ही सक्सेस success. आप सक्सेस तभी हो जब आप खुश हो मुझे मैंने बहुत जला है डिप्रेशन और एंजाइटी मैं कई कही कहीं पर कहूँ तो एक मैं बहुत बड़ा शिकारी रहा हूँ इस चीज का कि डिप्रेशन होना एनजाइटी होना हर बार परफॉर्मेंस करने को जाने से पहले एक डिप्रेशन एक एनजाइटी एक होती थी मुझे मेरे मैनेजरों ने एक्चुअली संभाला एक तरीके से कि ठीक है यार कुछ नहीं होता है आज भी मैं दस बार अपने आप को पूछता हूँ या दस बार बात करता हूँ अपने आप से बोलता हूँ कि हाँ मुझे परफॉर्म करना है क्या होता है लोग हैं यार सामने एंजॉय या करेंगे गले मिलेंगे मजा आएगा एंजॉय ये चीज में मैं रहता हूं हमेशा तो मैं समझता हूं उस खुशियों की उस खुशी की कीमत लोग ये समझते कि पैसा फेंको उससे खुशी मिलती है इंटॉक्सिकेशन से खुशी मिलती नहीं मिलती सर वो आपको एक एंजॉयमेंट दे सकती है फॉर मोमेंट पर खुशियां अगर आपको मिल रही है तो उसकी प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा आपको वो प्रैक्टिस करते रहो और वो तभी आपकी खुशियां बढ़ते जाती है और अगर आप खुश हो सुबह उठ के आप स्माइल करते हो बाहर निकलते हो बेडरूम से तो आप खुशी खुशी गुड मॉर्निंग कहते हो या सबसे बात करते हो दैट यू आर सक्सेसफुल फिर वो कौन से भी बेड से उठते हो हजार रुपए वाले बेड से उठते हो या फिर अस्सी हजार वाले तो दैट इज विजन आई डोंट नो मैं, तो, know, मैं जैसे आपने कहा कि ये एक प्रस्पेक्टिव आपका हो सकता है एक प्रस्पेक्टिव मेरा हो सकता है नहीं बट इट्स इट्स वेरी वैलिड पॉइंट इनफैक्ट मैं जितने भी लोगों से मिला हूं uh. ज्यादातर लोगों का यही मानना है जो भी समझते हैं कि सक्सेस इज स्टेट ऑफ या जब आप सेटिस्फाइड हो आप आप मेहनत करके खुश हो या yeah. कोई प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके खुश हो कोई अच्छी बात हुई उसको इंजॉय करके खुश हो हर तरीके से आप खुश हो yeah. अंदर से तो दैट्स द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल जब इतनी लंबी जर्नी होती है हाँ। तो उसमें बहुत लोगों का हाथ होता है तो कौन कौन वो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं जो आपकी जर्नी का हिस्सा रहे है? मेरे लिए uh, मेरी वाइफ सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन रही क्योंकि क्योंकि uh, मतलब हम लोग का जब अफेयर शुरू हुआ था एक रिलेशन शुरू हुआ था तब तब तो तब तो वो ज्यादा अगेन वही सक्सेस वाली बात है कि शी वॉज ग्राउंड स्टाफ तो जेट में काम करती थी वो तो तभी सात साल हम लोग का तो हम लोग में तो ये बात होती थी कि मतलब प्रैक्टिकल तरीका था कि भाई अगर मेरा कुछ अच्छा हुआ तो हम लोग शादी करेंगे नहीं अच्छा हुआ तो क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू पुट दैट कैंड ऑफ प्रेशर कि यार तेरे को मेरे साथ रहना पड़ेगा इधर है ना तो एक वो अंडरस्टैंडिंग थी और फिर तो उसका उसको भी प्रेशर था कि इसको कहीं ना कहीं सही होना चाहिए इसका और वहां से जर्नी शुरू होती है शी इज़ माय गुड फ्रेंड आल्सो एक तरीके से कह दो एंड अ कंपेनियन तो है ही बट एक गुड फ्रेंड भी है हम लोग बहुत बात करते हैं डिस्कशन करते हैं सारी चीज़ों के बारे में तो उसका बहुत बड़ा हाथ है और बाकी मैं कहूँगा मेरे मैनेजर उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है तुम्हारे जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है आई रिमेम्बर वन टाइम यू होल्डिंग्स खरीद रहे थे <laughs> <laughs> मैं आके मुंबई में ढूंढने लग गया था होटल <laughs> मुझे भी खरीद यार ये आदमी उधर खरीदे तो मैं इधर खरीदूँ बट ये ये ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जिसने जिसने लाइफ को शेप अप किया है और वो जर्नी में ऐसे लोग मिलते गए जिन्होंने खासकर अच्छे लोग मेरे गुरुजी तो है मेरे अंकल है इन लोगों ने जो सिखाया वो सिखाया लेकिन जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना वो सारे शायद आप सबने सिखाया ओ भाई आप शो कर रहे हो एंड शो सबसे इम्पोर्टेंट है तो शो में अपियरेंस कितना इम्पोर्टेंट है अपियरेंस में अपियरेंस मतलब आप कैसे दिखते हो दिखते हो अच्छा वो क्या उससे आपके बिजनेस या रेवेन्यू को फर्क पड़ता है हाँ एज ए सिंगर मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि लोग आपको आपको पे कर रहे हैं आपके लिए पैसा दे रहे हैं उनके तरफ भी आपका एक उत्तरदायित्व है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कि उन्हें भी लगे वो वर्थ हो वर्थ रही है बस इसलिए ना हो कि कि आप एक परफॉर्मर हो लेकिन आप ओवरऑल एक मैं ये पर्सन ही मानता हूं कि एक आर्टिस्ट को थ्री सिक्सटी डिग्री उस, उसका कैनवास होना चाहिए उसको हर चीज में ध्यान देना चाहिए वो मतलब यही नहीं है कि बस आप एक आ, एक जाके स्टेज पर खड़े हो गए और गाओगे वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे आपका म्यूजिक म्यूजिक बना रहे हो और कैसे साउंड करोगे कैसे लगोगे ये सारा जो मामला है वो सारा एक एक पूरा होना चाहिए और मुझे लगता है कि अटायर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पर एट द सेम टाइम ये भी नहीं होना चाहिए कि आप उस अटायर में बी योरसेल्फ या इट शुड नॉट बी कि आप इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करो जो आप हो ही नहीं तो फिर आप फंस जाओगे और आप अपने आप को अपडेट कैसे रखते हो बिकॉज सी देर आर सो मेनी सिंगर्स जो बीस साल के अठारह साल के हैं पच्चीस साल के हैं बट उसके बीच में भी आप इतना काम करते हो तो ऑब्वियसली ऑडियंसिस भी चेंज होती है अब ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है जो शायद आप आपको जानती है आपको परफॉर्मेंस देखती है लेकिन जी, आपको उस तरीके से नहीं जानते जैसे हम जानते हैं या जी, जी, जो 10 साल पहले लोग जानते थे जी, तो आप अपडेट कैसे रखते हो अपने आप को क्या-क्या चीजें करते हो एक तो आपके इर्द-गिर्द कौन लोग हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है आप यंगस्टर्स के बीच में हो तो आप में वो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होती है आप अगर ग्रुप में ही ऐसे लोगों के साथ रहते हो या इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपके या आपके ज़्यादा है तो आपका माइंड भी वैसा बन जाता है वेन यू सी पीपल यंग पीपल एनर्जी आप देखते हो ना आपको इंस्पिरेशन मिलती है हम हमारा काम सिर्फ उनको सीख देना ही नहीं है पर हमारा काम बहुत ज़्यादा ये भी है कि उनसे सीखना भी है और खासकर म्यूजिक में या आर्ट फॉर्म में क्योंकि म्यूजिक इवॉल्व होते रहता है म्यूजिक आर्ट है ही एक चीज़ जो हर बार इवॉल्व होती रहती है अगर आप नहीं इन लड़कों से सीखोगे बच्चों से सीखोगे तो आप कहीं पर रुक जाओगे तो मैं ये हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं यंगस्टर्स के बीच में रहूं। यंग लोगों का म्यूजिक यंग लोग क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं उन चीजों के बारे में सोचूं, उनके बीच में मैं कैसे फिट इन अपने आप को कर सकता हूँ इसकी कोशिश मैं कभी भी हम लोग शायद इसीलिए थोड़े यंग भी दिखते हैं क्योंकि हम कभी बिलीव नहीं करते I don't... <I like it. laughs>

अभी आप एग्जैक्टली exactly क्या क्या सीख रहे हो अभी नया कोई नया स्टाइल सीख रहे हो म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो मैं अभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हूँ पियानो सीख रहा हूँ बट मैंने अभी कुछ चीज़ें परफॉर्मेंस वाइज भी मैंने अपने आप को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया आई वॉन्ट टू परफॉर्म विद डिफरेंट आर्टिस्ट और वो मैं कोशिश करता हूँ जैसे मैं प्रीतम दा के साथ भी शोज करता हूँ उनके साथ भी ट्रेवल करता हूँ क्योंकि एक अलग परस्पेक्टिव मुझे दिखता है शोज बड़े बड़े लोगों के शोज देखने जाता हूँ बिस्मिल का आ, सागर की कवाली मुझे देखना था उस टाइम में लेट हो गया बट नई चीजें इन लोगों के साथ परफॉर्म करते ना मुझे पता चल रहा है कि क्या चल रहा है दुनिया में और अलग तरीके से लोग कैसे सोचते हैं। आप सिर्फ बाहर से कर बैठ के आप नहीं इन चीज़ों को देख सकते जब आप इनके साथ चलते हो बात करते हो तब समझ में आता है इनका परस्पेक्टिव क्या है तो वो भी चीज है एंड सेकेंडली आई एम वर्किंग ऑन ओन म्यूजिक तो मैं अपने खुद के गाने बना रहा हूँ तो oh. oh. uh, अपने साथ एक किया है कि मैं एक साल में आठ गाने तो रिलीज करूंगा जो खुद के हो गए आई विल नॉट एक तो कॉडिफाई के साथ ही मैंने प्रोजेक्ट uh, जफर ने प्रोग्राम किया है जो सबसे पहला भी रिलीज करूँगा तो ये एक जर्नी शुरू की है मैंने अपने साथ और मैं वो एन्जॉय बहुत करता हूँ कंपोजिंग मैं अपने लिए खुद के लिए आ, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ कॉम्पोजिशन okay. और सिंगिंग के अलावा भी कुछ सीख रहे प्रोडक्शन मिक्स मास्टर ऐसा कुछ सीख रहे ये सारे जो जितने भी इसके साथ लगने वाली सारी जो चीजें हैं जैसे मोस्टली प्रोडक्शन में सीख रहा हूँ uh, कैसे प्रोग्रामिंग वाला सी, सीख रहा हूँ मैं एक्चुअली uh, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में साउंड इंजीनियरिंग सीखा था बचपन में तो, तो साउंड इंजीनियरिंग मैंने सीखा हुआ था हालांकि उसके बाद बहुत बड़ा ब्रेक हुआ तो मैं उसमें ये नहीं रहा लेकिन जितनी भी इर्द गिर्द सारी चीज़ें अभी तक मैं प्रोडक्शन uh, uh, के बाद म्यूजिक बनने के बाद जो सामने वाली चीजें हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उसमें क्या क्या चीजें आती है खरीदना बेचना है, वो कैसे है इन चीजों में अभी तक मैं, मैं नहीं पढ़ाऊं या शायद कहें तो मेरे पास ऐसे लोग नहीं है जो मुझे सिखाए इन चीजों के बारे में तो अब मेरे पास ये टीम है हाँ टीम जो है वो पीछे वाली है बनने तक की है प्रोडक्ट बनने तक की है तो मैं अभी वो सारी चीजें सीख रहा हूँ पियानो सीखता हूँ म्यूजिक एक एक इंस्ट्रूमेंट तो सीखने की हमेशा कोशिश करता हूँ और भाई आपकी अभी टीम में कौन कौन लोग हैं अभी अभी तो मैं आ, मेरे मैनेजमेंट है और बस मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं देवांग शाह एक्स फैक्टर तो अगेन ओल्ड फ्रेंड बहुत सालों पहले से फ्रेंड वाज ओल्ड सॉरी तो वो अभी रंजीत है हम लोगों के साथ काम कर रहे है वो भी अगेन ओल्ड फ्रेंड और आई एम वेरी कंफर्टेबल विद देम तो ये है टीम का कितना इम्पोर्टेंस है आपकी करियर में और लाइफ में टीम का बहुत इम्पोर्टेंस होता है जैसे जैसे इसके पहले और मेनली टीम का टीम को मैं अपने आप को अलग करके नहीं देख सकता है टीम में ये टीम न? उस टीम में मैं भी हूं ये टीम है तो मैं ऐसा नहीं कि मेरी टीम नहीं बोल सकता हम लोग की टीम है हम लोग साथ में एक टीम है जैसे इसके पहले जो मैनेजर थे बेटसन बी एन तो तभी उसने भी छोड़ा था काम पहले रॉडनी को मैनेज कर रहे तो उसने वहां से छूटा था और उसको भी कुछ करना था और मेरे पास भी 2011 के पास मेरा मैनेजर नहीं था मैं मैनेजर ढूंढ रहा था तो वो जब शुरू किया तो उसने मुझे बोला कि यार क्या करने का कैसे मैं उसको भी पूछा कि क्या क्या, क्या तेरा विजन क्या है क्या कैसे करेगा तो बोलते हैं कि अपने को ना जाके हम सबको मिलते हैं तो मैंने चलो ठीक है मिलते है जाके तो वी वेंट टू ऑल द एंटरटेनमेंट जो ऑर्गेनाइजर्स है ना जो सारे बड़ी कंपनियां हैं उनको सबको मिल, मिले हम लोग जाके दिल्ली में जाके सबको मिले कैटलिस्ट को मिले सब सब अलग अलग जो है उन, गुजरात के सारे लोगों को मिले मुंबई के सारे लोगों को मिले जस्ट टू यू नो गो एंड शो कि हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं यू नो अभी हम लोग दोनों हैं लेट्स वर्क टुगेदर और उससे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी एक दूसरे के साथ रिलेशन बहुत अच्छा बना बहुत बार होता है आर्टिस्ट समझते हैं कि मैंने मैनेजर हायर कर लिया ना अब मैनेजर का काम <laughs> शो क्यों नहीं आ रहा <यारा> भाई बट इट इज नॉट लाइक दैट इट इज यू नो द टीम वर्क डजंट वर्क मतलब वो टीम वो नहीं है कि पूरी टीम है और आप अलग हो उस टीम के हिस्सा आप भी हो तो वो वो मेरे लिए बहुत और हमेशा ही रहा है क्योंकि सूरज जो था सूरज एक्चुअली पहला जो मेरा मैनेजर था वो हम लोग कंटेस्टेंट कोऑर्डिनेटर थर्ट तो उससे हम लोग ने जब सोनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ अभी क्या करेंगे कौन सा कंपनी के साथ आप लोग एसोसिएट होना चाहते हो एज अ मैनेजमेंट तब मैंने उनको कि सूरज हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल है हम लोग सूरज के साथ बहुत कंफर्टेबल है इसको ही रखो आप मैनेजर That's how Suraj बिकम a manager manager, True. you know artist मैनेजमेंट और भाई कभी ऐसा लगता है कि जब आप इंडियन आइडल जीते थे हाँ मुझे नहीं लगता कि उससे पॉपुलर रियलिटी शो आज तक इंडिया में हुआ है जी है ना एंड एवरीबडी न्यू यू एंड यू वेर इन अ पोजिशन कि आप कुछ भी कर सकते हो तो कभी ऐसा लगता है कि यू समहा मिस द बस मैं यही मानता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये मैं वो बस वापस पकड़ सकता हूँ कभी हार मानना जरूरी नहीं है यू you नो know, आ, आप अगर रिलेवेंट हो आज भी तो बस चलते रहो मौका मिलेगा आपको और चीजें हो सकती वी नेवर नो ना, ना कई लोग हैं ऐसे आ, अपनी इंडस्ट्री में कई लोग हैं जो चालीस के बाद दे ने ने कर, नहीं। हाँ एग्जाम्पल है कितने लोग हैं तो और वो एक्सपेक्टेशन मैं रखता भी नहीं हूँ कि मेरा मुझे मिलेगा मिलेगा ये वाली जो चीज़ है ना वो एक्सपेक्टेशन बढ़ाती है तो मैं क्योंकि मैं एक टाइम में तब शुरू किया जब मुझे मेरी मेचोरिटी ज़्यादा थी मैं बहुत एक ए पर्सन था मुझे नहीं पता था क्या करना है कैसे करना है हाँ तभी अगर मुझे एक सही गाइडेंस होता तो शायद थोड़ा अच्छा मैं कर सकता था चीज़ें आज मैं रिलेवेंट हो रहा हूँ तो माइंड बदल सकता है आज इतने सालों बाद हमने लव, में कहना कोई रिप्राइज वर्जन बनाया uh, you know, लोग पसंद आने लग गया आज मैं ये सब कर रहा हूँ आप हम लोग बैठे इतने सालों बाद अचानक से चीजें बदल सकती है पर आप नेगेटिव थॉट में चले जाओगे और सोचोगे कि करियर में अभी हो गया यार नहीं बढ़ सकता अभी आगे तब आप रुक गए ना इम्पोर्टेंट एक्चुअली पर्सपेक्टिव है कि क्या खोया इसके बारे में नहीं, नहीं सोचना चाहिए और ये सोचा कि क्या पाया और क्या पा सकते हैं क्या पा सकते हैं तो बस क्या पा सकते से भी जो के पास है हाँ, आप कितना अच्छा कर सकते हो क्योंकि जो अच्छी हो, हो जाती ना चीज उसके बाद आपको खुशी बहुत अच्छी मिलती है आप आप बहुत अच्छा फील करते हो दैट इज व्हाट वी वॉन्ट हम लोग मैंने इतना काम कर लिया ना मतलब 2011 तक एक टाइम ऐसा था कि मैं बैग लेके जाता था रखता था वापस दूसरा बैग ले आता कई बार तो ऐसा हुआ है कि फ्लाइट से उतरा गाड़ी से बस कॉलोनी में आना है मेरी सोसाइटी में दो मिनट के लिए गाड़ी में बेटा मैं ऊपर भी नहीं आ गया घर में वापस गाड़ी ड्राइवर आके वापस लेके गया एयरपोर्ट तो उस तरह से भी जर्नी बट उसमें उस पूरी जर्नी में मैंने कुछ नहीं कमाया उस उस जर्नी में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा वो वो पैसा हो सकता है बहुत सारा बट माइंड नहीं था सही आज मेरा अच्छा माइंडसेट है आज मैं बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ मैं बहुत अच्छे लोगों से मिलता हूँ अपनी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता हूँ और, और मुझे लगता है मैं जब तक जिंदा हूं तब तक कुछ भी हो सकता है फंड्स के बारे में बात किया अब जैसे आपने बताया कि शुरुआत में आइडिया नहीं था अब आप फंड कैसे मैनेज करते हो मतलब वॉट आर दिंग्स विच यू डू मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स आप अलग अलग पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो यही थी कि हम कि एक ना एक प्रोटोकॉल कहे या एक पुराना माइंड सेट कहें कि भाई पैसे आ गए तो घर खरीदो या बड़ा घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है इन्हीं में ज़्यादा हम लोग एक पुराना प्रोटोकॉल चलते आए ना कि ये चीज़ें होनी चाहिए ची, तब आप सक्सेसफुल हो हालांकि आपको पहले आपका आपके इन्वेस्टमेंट पॉकेट्स जो है वो भरने चाहिए एक आर्टिस्ट को तो करना ही चाहिए और जितना जल्दी करोगे जितने जल्दी अपने आप को स्टेबल कर लोगे उतना आपको आपको फ्रीडम मिलेगा नहीं नहीं तो तो फिर आप आप एक यू नो तो, you know, जो आपको नहीं करना वो करते रहना पड़ेगा आपको लाइफ टाइम यू नो या फिर आप हमेशा उस स्ट्रगल में रहोगे कि कैसे मैं अपने पॉकेट्स फिलअप कर सकू और वही सबसे बड़ी हर आर्टिस्ट को सबसे पहला ये करना चाहिए कि ये चीजों को पहले सेटल करो जिससे कि उसकी लॉन्जिविटी बढ़े काम करने की ताकत उसकी बढ़े मेरे ख्याल से दो चीजें इसमें सीखने की है कि एक तो हर आर्टिस्ट को चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो hmm. अवेयरनेस होनी चाहिए हाँ. क्योंकि नॉट जस्ट आर्टिस्ट कोई भी हर इंसान को क्योंकि हमने भी बहुत स्टूबिलिटी की right. है एज मैनेजर्स right. क्योंकि आइडिया ही नहीं था फिनेंशियल अवेयरनेस नहीं थी और दूसरा एक कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर इंसान जब शुरुआती दिनों में उन चीजों को खरीदता है जिनकी उनको जरूरत नहीं होती है हाँ। तो कभी उनको उन चीजों को बेचना पड़ जाता है जिनकी उनको जरूरत होती है हाँ। बहुत बढ़िया तो जब भी आपकी जिंदगी शुरुआत होती है पैसा आना शुरू होता है तो ऐसी चीजें मत खरीदो जिनकी जरूरत नहीं है। हाँ। तो अपने आप वो एक बेसिक यू नो अरेजमेंट की एक बात याद आई हाँ। कि लोग सोचते हैं कि अरे आर्टिस्ट है पॉपुलर है हाँ। एक सच्चाई ये है कि आर्टिस्टों को जल्दी से लोन नहीं मिलता नहीं मिल मुझे मिलता नहीं मैं बोलता हूँ तो यार मैं क्या क्या देखा तुमको पर फिर भी मेरी वाइफ को मिल जाता है लोन वो आजकल कुछ वो बेकिंग करते है से, बट उसको लोन हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं हाँ फिक्स रेवेन्यू नहीं है इसलिए डाउटफुल है कि कल को अगर बंद हो गया तो हाँ तो क्या करोगे इसलिए लोन नहीं मिलता सही में और कोई भी ऐसा सवाल है या कोई भी ऐसा टॉपिक या मुद्दा है जिसके बारे में बात तो करना चाहते हो लेकिन कोई पूछता ही नहीं है जैसे यही सारी चीजें जो आज हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं यू you नो know? क्योंकि बहुत बार यही होता है कि आपकी जर्नी कैसी रही इंडियन आइडल में क्या किया अरे उसका गाना आपको वो शो में वो एपिसोड में आपका क्या था ये एपिसोड में क्या था यू you नो know? यही चीजें हम लोग बात कर रहे आज हम लोग एक आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ज्यादातर लोग आर्ट म्यूजिशियन है ना जो पॉडकास्ट करते हैं वो ये पहला पॉडकास्ट तो होगा जो शायद का होता है ना इंडियन आइडल तो जब खत्म हुआ तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग डिमेन करने में क्यों पड़े हैं कि इनका तो कुछ नहीं होगा आप उनको एंजॉय तो करो उनके उनकी, उनकी खुशियां भी तो एंजॉय करो उनके साथ आपने जर्नी बिताई है ना बट हमें उन एक टैबू जैसा हो गया कि रियलिटी शो के सिंगर ही क्यों भाई <laughs> वो भी तो इंसान है वो भी तो यू नो वो भी तो कलाकार है बट कहाँ तक जाओगे आप डिमीन करते करते क्रिटिसिज्म आपने तो उस टाइम तो बहुत हैंडल किया अभी भी करते ही होंगे जी हाउ डू यू हैंडल इट मुझे नहीं लगता कि क्रिटिसिज्म का कोई वैल्यू है आपकी लाइफ में और ये मेरे को बहुत बाद, बाद में समझ में आया आपकी फैमिली जो बोलते हैं ना उसकी बहुत वैल्यू होती है आपके दोस्त क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू होती है आपके आपके चाहने वाले अगर आपको अलग बोल रहे हैं बट फिर भी मैं कहूँगा कि हर म्यूजिशियन का एक क्राफ्ट होता है हम सभी अपने क्राफ्ट पर काम करते हैं आपका क्राफ्ट सक्सेस होता है सही जाता है या फिर फेल होता है बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप अपने क्राफ्ट को ही चेंज कर दो बिकॉज आपको ये हो गया अब क्रिटिसाइज लोग करेंगे तो हम ऐसे बिजनेस में है कि लोग क्रिटिसाइज तो हमें करेंगे बट वो फिर उस चीज के ऊपर होनी चाहिए ना कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर या आपके आपकी इंसान होने के ऊपर कि आप आप रियलिटी शो से आए इसलिए आपको क्रिटिसाइज करना है यू नो तो वो मैं समझ में अभी समझ में आ गया कि ठीक है इन लोग नहीं नहीं उसकी लाइफ कैसे बीत रही है right. वो कितनी मुश्किल में है मुझे नहीं पता यार वो आके कुछ बोल रहा है तो आज मैं हंसता मैंने कहा बोलते, बोलते तो, आजकल काम बंद हो गया आप <laughs> क्या करते हो आजकल कुछ दिखते नहीं अब मैं उस आदमी को कहा समझाऊ और क्या समझाऊ है रियलिटी शो कितने रियल है हाँ और क्या उस टाइम के बाद अभी काफी बदलाव आया है रियलिटी शो में चेंजेस तो बहुत आए बहुत सारे बदलाव आए जो रियलिटी हम लोग के टाइम में हुआ क्या था पहला शो था वो पहला एक ऐसा शो था जो टिकट वोटिंग से होने वाला था उससे पहले लेकिन वोटिंग वोटिंग उससे पहले हुआ था नहीं उससे पहले जीप पे एक मॉडलिंग का शो आया था वो वोटिंग पे था hmm. बट वो इतना चला नहीं वीवा भी थे वीवा और आसमा वोटिंग वाला पहला ये पहला शो शो था था ये तो पूरा फॉर्मेट ही नहीं था नया था इवन इवन जो जो लोग शूट कर रहे थे उनको भी नहीं पता था कि होने वाला क्या है एक गोरा आके बैठता था रोज हर hmm. चीज समझा था हम लोगों को बैठ के ये दिखाया था कि ये अमेरिकन पॉप या यूके पॉप आइडल है देखो ऐसा होता है शो आपको ऐसे करना है कैरियो क्या, की पे गाना मतलब वो माइनस वन पे गाना बैंड नहीं है उस पे गाना ये पहला था चीज तो सब कुछ नया था नई चीजें थी तो बहुत ऑनेस्ट था ये चीज फिर बाद में इंडियनस आने लगी उसमें <laughs> बढ़ती जाए गई फिर हम लोग इमोशनल लोग है ना तो हम स्टोरियां जोड़ने लगे उसमें और चीज़ें नई नहीं आने लगी अभी भी और वो चीज़ें कभी कभी बढ़ी भी है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हम कुछ भी कर ले ये सारी चीज़ें कर ले लेकिन प्लेटफॉर्म हमारे देश में बहुत कम है सिंगरों के लिए म्यूजिशनों के लिए आज इंडियन आइडल को अगर हम कितना भी ये इसमें पढ़े लेकिन बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है अलग अलग, अलग लोग अलग कलाकार एक्टर्स आए हैं हजारों हाँ एक्टर हाँ। है, आए हैं म्यूजिशिय आए हैं आज हम लोग रील्स देखते हैं कि अरे इसने इतना नहीं किया शो में लेकिन आप देखिए इतना कर रहा है यू नो वी डाइट बहुत सारी ऐसी रील आती बट प्लेटफॉर्म तो दिया एक आर्टिस्ट को सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है पैसा नहीं होता है मेरे को ऐसा लगता है रियलिटी शो को ना एम के कोर्स जैसा देखना चाहिए हाँ कोर्स हो गया? हाँ अब तुम कोर्स करने के बाद बाद आगे वापस मेहनत करनी पड़ेगी पड़े पड़े अपना पड़े। करियर बनाने के लिए आपकी शुरुआत होगी लेकिन आपको एक कहें तो एक चाबी मिल गई एक पहले ताले गईफॉर्म तो मिला पहले ताले की चाबी मिल गई उसके बाद की जर्नी होगी आपको आगे जाना पड़ेगा आज की दुनिया में क्या रियल है इंसान रियल नहीं है तो शो कैसे रियल होगा नहीं हमारी कंपनी है <laughs> उसका नाम है दैट्स रियल अच्छा जो ये पॉडकास्ट कर रहे हो हां वो है सच में सोशल मीडिया यूज करते हो कैसे मतलब कितना मैं बहुत करता हूँ यार मैं इंस्टाग्राम मैं ऐसा मतलब दो मिनट आपका आप मुझे फोन हाथ में दे दो मैं पहला उंगली पता नहीं कैसे और इंस्टाग्राम पे जाती है <laughs> कितना इम्पोर्टेंट <laughs> है अभी तुम्हारे तो लिए इंस्टाग्राम जैसे मैंने कहा कि यू नो ये ये जो सारी चीजें हैं उनको अपनी लाइफ में इनकल्टिवेट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आज की दुनिया में हमें जैसे जैसे पॉप म्यूजिक का ही बात करें तो सेकेंड एल्बम जुनून था उसके बाद खत्म हो गया था फिर फरीदा, दो हजार तो हाँ दो हजार ग्यारह में फरीदा गया आर देर बहुत सारे दोस्त लोग आए थे अरिजीत बिहा आया था सब लोग आए थे तो बट वो एल्बम चला नहीं हालांकि उस पूरे टाइम में मैं ही नहीं बहुत सारे म्यूजिशियन ने अपने अपने एल्बम्स निकाले अदनान सामी साहब का भी एल्बम आया था बहुत लोगों का एल्बम बट हम चेंज होती हुए जनरेशन को नहीं समझ पाए थिंग हाँ, बात है वो चेंज होने वाली जनरेशन समझे हनी सिंह बादशाह माफिया मुंडीर इन लोगों ने वापिस रिवाइव किया चीज को समझा कि ये म्यूजिक है अब उसको क्रिटिसाइज करते बैठो अरे ये रैप है ये फलाना है ढिमगाना है उसमें पढ़ो कि, कि कुछ सीखने की कोशिश करो उससे जो आज जो सेम चीज आज एपीडी लो सुख एनुजन सो ला रहे इन चीजों को इन चीजों को अपने अंदर लेना पड़ेगा और वो दिखाने का बहुत अच्छा जरिया सोशल मीडिया है हमें बताता है कि ये नए यंगस्टर्स को क्या पसंद है क्या दिखा है ये जरूरी है कि हम फिर एक मुखौटा लगा दे अपने ऊपर मैं यंग हूं करने का बट उन उनकी चीजें अगर हम लोग समझेंगे तो शायद हम कहीं पे बीच में आ सकते हैं वो ग्रे शेड मिल रहा है आपको हाँ और साउंड पता चलता है नया साउंड सुनाई देता है ये चीजें चल रही है क्योंकि एक, एक आर्टिस्ट को कभी भी उस एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए तो आपको लगता है कि अगर आपके टाइम पे सोशल मीडिया होता हाँ तो थिंक दुनिया बहुत अलग होता आपका करियर हो सकता है लेकिन लेकिन मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ आई लव हिस्ट्री मैं मैं बहुत हिस्ट्री पढ़ा भी हूँ और हिस्ट्री में कभी भी ये सवाल नहीं रिलेवेंट uh, होता कि ये होता अगर तो। ये वॉर नहीं होता तो क्या सब चीजें सही होती है नो you know? तो इस चीज से मैं एक चीज वही सीखा हूँ कि जो सिचुएशन आई है और उसके बाद जो चीजें हुई है वो हुई है उसके बाद अभी आगे क्या है अब भाई थोड़े छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ अच्छा। कुछ सवाल हमने कल पोस्ट किया था तो आ, कुछ ऑडियंस ने भी पूछे वो भी लास्ट में पूछेंगे इंडस्ट्री में आपके फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में काफी और वो फ्रेंडशिप रियल है या आपको लगता है कि इंडस्ट्री की फ्रेंडशिप फेक है इंडस्ट्री के फ्रेंड्स है नकाश अजीज गु, वेरी गुड फ्रेंड अंतरा एक फ्रेंड है

ये और इसी चीज़ का डर भी है और मैं बिकॉज uh, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे एक पैराशूट की तरह बीच में डाल दिया यू you नो know, क्योंकि क्योंकि हम लोग जब जर्नी शुरू करते एक स्ट्रगल की सारे आर्टिस्ट स्ट्रगल करना शुरू करते आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं एक पायदान से दूसरे पायदान दोस्त बनाते हैं फिर वो म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाते हैं ऐसे सब दोस्ती बढ़ती 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 और फिर आप एक लेवल पे पहुंचते हो इस पूरी जर्नी के बीच में रियलिटी शो ने सिंगरों को बीच में ही डाल दिया उन्होंने जीरो से शुरू नहीं किया उन्होंने घुस गया।, कि गया यार आगे वाला बोल है कि अरे इसको इतना जल्दी मिल गया मैं तो पूरी जर्नी आ गया कितना घंटे लाइन में था मैं तब जाके मैं इधर खड़ा हूँ ये तो वो भी मेरे कहीं पे अपसेट है और ये भी अपसेट है तो इनके बीच में कहीं पर मैं फंसा जा फंस जाता हूँ लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी रियलाइज किया है कि बिकॉज फिर मैं ऑर्गेनिक तरीके से आया मैं तो वही छः महीने पहले जो एक कट्टे पे बैठने वाला लड़का तो एक ऑर्गेनिक तरीके से जब बीच में इन, इनके बीच में आया तो रियलाइज हुआ कि प्लास्टिक है सब कुछ वर्ल्ड इज लिटिल प्लास्टिक एंड एक दूसरे का दिल रखना ये इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मेरे को नहीं जमा कई साल तक मैं बहुत ऑनेस्ट रहता था मतलब ऑनेस्ट तो अपने आप को नहीं बोलना चाहिए खुद ही <laughs> खुद लेकिन लेकिन मैं जो है वो बोल दिया तो यू नो या फिर मान लो सामने वाले से आके सामने किसी ने हंस दिया या स्माइल कर दी और मैंने नहीं की क्योंकि मैं जो है वैसा हाँ ऐसे कर दिया तो रूड फिर आजकल सोशल मीडिया पे हो गया है कि आपको किसी ने पोस्ट कर दिया और आपने शेयर नहीं किया तो वो प्रेशर हो गया ये तो, ये तो ये का बहुत प्रेशर है हाँ आ, आप रूड बिहेवियर हो लोगों को रूड बिहेवियर लगता है True. और रूड बिहेवियर को कम करने के लिए लोग इतना मीठा बन जाते हैं इंडस्ट्री में हम लोग के यहाँ पे अब कई लोगों को ऐसा देखा है मैं मुझे लगता है कि यार फिर आप कैसे अपने आप को वापस नॉर्मल बना पाओगे बट फाइनली आखिर में आपको अच्छे और सच्चे दोस्त मिल गए हाँ

ये इसमें नहीं रहेंगे बोले यार नहीं मतलब थोड़ा सा है सर कुछ कर ले अंतरा तो फटकल एकदम मुंह पे ब्लंट ब्लंट है तो और आ, आपने बहुत बार बोला कि आप बहुत शाही भी हो हाँ और नर्वस भी बहुत होते हो तो शाही होने से करियर में कुछ हिंड्रेंस होता है या कुछ तकलीफ होता है शाही ये मेरा नेचर है ये मेरा मैं ऐसी मेरा मेरी जो मतलब लाइफ ही ऐसी रही है मैं शायर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हाँ ये ये एक तरीके से कहें तो अच्छा नहीं है आपको थोड़ा होना चाहिए पॉजिटिव और शाइक होना एक नेगेटिविटी का भी साइन है मतलब लोग इसको शाय को बहुत अच्छा मानते हैं इज अ शाय पर्सन है अरे अच्छा कम बोलता है कम बात करता है बट ज़्यादा बात करने से कोई बुरा नहीं होता आप क्या बात करते हो इज इम्पॉर्टेंट आप अगर एक छोटी सी बात बोलते हो लेकिन बुरी बोलते हो तो वो भी तो खराबी है पर आप बहुत सारा बोल दिया और अच्छा बोल दिया तो भी ठीक ही है ना बात ये कि आपकी इंटेंशन, और इंटेंशन और आप बोलते है, क्या क्या हाँ। बोलते पर ये होना चाहिए कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं आपकी महफिल में आने के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं नहीं हूं मुझे मत मत ये समझो कि मैं बुरा हूं और हमारी इंडस्ट्री में वो ज्यादा है तो उसको लेबल लगा दिया शायद इसका कि मैं शायद हूं <laughs> इसलिए मैं नहीं जाता देखो मैं तो शाही हूं भी नहीं फिर भी नहीं जाता <laughs> सच, है। सच है जहां yeah. मन नहीं करता वहां नहीं जाना चाहिए वही ना बोल oh. रहा हूँ कि बचपन से बींग योर सेल्फ का सीखते नहीं ना वो फिट इन का प्रेशर है कि अगर मान लो मैनेजर बनाऊ तो यही करना पड़ेगा एज अ मैनेजर तभी oh. तुम सक्सेसफुल हो बट बहुत बाद में समझ में आता है क्यों करना पड़ेगा हाँ तुम खुश हो काम कर रहे हो मेहनत कर रहे हो इंजॉय कर रहे हो यूर हैपी राइट कोई ऐसा रूल रेगुलेशन होना ही नहीं चाहिए रिजेक्शन uh, आप कैसे हैंडल करते हो बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बार जो चीज आप चाहते हो वो नहीं अप्रूव होती या रिजेक्ट होती हाउ डू यू हैंडल दैट मैं स्टार्टिंग में जैसे कहा था कि दो चीजें लाइफ में कॉन्स्टेंट होनी चाहिए एक तो है खुशियाँ और दूसरे है प्रॉब्लम्स तो रिजेक्ट जब होते हो तो एक प्रॉब्लम है आपके लिए ये चीज को आपको सॉल्व करना है अगर खुशियां होगी लाइफ में तो सॉल्व कर लो तो उसको आप सही तरीके से सॉल्व करोगे और पॉजिटिवली सॉल्व करोगे एंजॉय करके सॉल्व करोगे और वो okay. प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखो यू नो उसमें दुख दुखी होने का जरूरत नहीं क्योंकि दुखी आपको डिप्रेशन में डाल सकता है आपको आपको रोक रोक सकता है आपकी जर्नी तो बेटर है कि यू नो एंजॉय इट ठीक है आपके आपके घर में नल नहीं है ना वो नल लगाने का है तो आप दुखी होगे क्या उसके लिए लाइक like, मुझे नल लगाना है ठीक है कैसे करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे और ठीक है वो उस उस तरह से वो हथौड़ा मारते रहो मारते रहो मारते रहो बट खुशियां कॉन्स्टेंट रखो जिससे कि आपको कभी लोनलीनेस फील ना हो कभी बुरी ये ना एक्चुअली आपकी बात एक्चुअली आप बात, बात बहुत सिंपल है हाँ हा। बट सिंपल बात समझना बहुत है करेक्ट तो आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो हाँ. चाहे रिजेक्शन हो चाहे कुछ हो बट फिर भी आपको आपने सुसाइडल टेंडेंसी थी एक बार आपको हाँ. वांट, uh, commit suicide. मैं तो मतलब मैं पहले था क्योंकि क्योंकि आइडल जब नहीं हुआ था क्योंकि होल माय जर्नी मैंने अपने अपने ऊपर से ही मतलब मेरे घर से कोई सपोर्ट था नहीं म्यूजिक का और आई वाज वेरी वीक इन स्टडीज आल्सो तो और मेरे डैड जो है वो एकदम दीनानाथ चौहान है घर के एकदम यू नो ही इज़ बिन लाइक कि मैं एकदम घर का ना ऐसा है। मैंने बहुत दियो के नीचे बैठ के रेलवे स्टेशन पे पढ़ाई की है तो द रिस्पेक्ट फॉर हिम इज़ वॉज बिग कि पहला लड़का हमारे गांव का जो पढ़ा लिखा है उसका लड़का ऐसा जिस <laughs> जो <laughs> जो <laughs> मतलब कैसे कैसे करके पास हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो वो प्रेशर बहुत था जब म्यूजिक शुरू किया तो इन चीजों से निकलने का ही एक जरिया ढूंढ रहा था मैं कि कैसे निकलू चाचा के साथ मैं रियाज करता था बचपन में उसके बाद गजल सीखा दो तीन साल तो गजल में गजल सीखने के लिए फीस नहीं हुआ करती थी तो छोड़ दिया फिर मेरे गुरुजी मिले भावदीप जयपुर वाले जो मेरे एक्चुअल गुरु जी रहे से काफी से, लोगों को ट्रेन किया हाँ उन्होंने काफी लोगों को ट्रेन किया और वो फ्री सिखाते थे उनके पास ही मैं रहता था और सीखता था उस टाइम में ये सारे करते हुए हाँ एक प्रेशर हमेशा रहता था कि क्या हो रहा है लाइफ में यू नो जिंदगी कहाँ जाएगी तब ये बहुत फीलिंग होती थी और कि कुछ होगा नहीं सही में और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था मैं इलेवन स्टैंडर्ड में था तो हम लोग स्कूल से कॉलेज से निकले और वो एक्चुअली पकड़ा गया कॉपी करते हुए वेरी सिंपल सीधा साधा लड़का एंड नेक्स्ट पेपर में वो आया नहीं पता चला कि कमिटेड सुसाइड तो वो एक कहीं पर एक मैं इन चीजों का एक असर भी रहा और हमेशा ये आई थिंक ये जो ट्वेंटीज तक का टाइम होता है ना वो हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं होगा लाइफ में कुछ True. हम लोग फेलियर है हम लोग हम हालांकि कितना मतलब रॉन्ग मिथ है वो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जिंदगी जब तक तो आपकी खत्म नहीं होती तब तक आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में बदल सकते हो चीजों को बदल जाएंगी और सही चीजें हो सकती है और वो इम्पोर्टेंट है बट ये सारा प्रेशर तभी रहा रहा मेरे साथ मेरे ख्याल से आपकी बात के एक और बात समझ में आ रही है कि परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चों पे हाँ अपने माँ बाप की सक्सेस का चाहे हाँ, किसी भी तरीके की सक्सेस हो राइट पैसा पढ़ाई स्पोर्ट्स किसी भी तरीके का क्योंकि हर बच्चा अलग होता है हर इंसान अपना अलग टैलेंट लेके पैदा होता है राइट और एज पेरेंट्स ये देखो मैं जितना भी बोल रहा हूँ आसान है करना हाँ, बहुत मुश्किल है बट मेरे को कम से कम समझ में आ रहा है कि बच्चों को सफल बनाने का कोशिश करनी नहीं चाहिए करेक्ट बच्चों को काबिल बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि आप उनको एज पेरेंट्स करेक्ट गिव देम द रिसोर्सेस एजुकेशन नॉलेज लव वॉर्म फॉर देम टू लर्न राइट वो लोग अपने आप अप सफल हो जाएंगे बनाएंगे तो सफल हो जाएंगे मैं अभी मैं मेरा, मेरी दो लड़कियां मैं एक को देखता हूँ ना वो बहुत डेडिकेटेड है मैंने उसको कुछ अलग से नहीं ट्रीट किया है वो बहुत डेडिकेटेड है वो अपनी चीजें बहुत सही तरीके से करती है अभी उसका मैं देखने गया था इवेंट हर लाइन वो इवेंट टाइमिंग उसका सही था बात करने का जो डायलॉग डिलीवरी है तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ चीजें नेचुरल होती है लोगों जो, में जो करने वाला होता है वो करने वाला होता है लेकिन जो नहीं कर रहा है उसको आप उस करने वाले से डिमीन नहीं कर सकते हैं करेक्ट ये अच्छा कर रहा है मतलब इसलिए ये खराब हर इंसान अलग हर इंसान अलग है यार वो समझना सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है वही है तो भाई आप ट्रेनिंग कैसे करते हो हाउ डू यू ट्रेन योरसेल्फ रियाज करता हूँ रियाज होता है हमारा मेरा मैं भी जब भी रियाज करता हूँ जब भी मोस्टली शो से पहले एक घंटा दो घंटा पहले करता हूँ और जितने भी म्यूजिशियंस हैं उनको क्या करना चाहिए मतलब प्रैक्टिस इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हम मैं अभी प्रीतम दा के साथ ही हम लोग एक शो करते थे दैट्स वाई आई एम गैदरिंग दिस एक्सपीरियंस तो हम लोग की बात हो रही थी कि रेंज कैसे बढ़ा तो किसी ने बोला कि नेचुरल होता है रेंज तो दादा ने कहा कि नहीं आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो, आ, तो आप बढ़ा सकते हो अपनी रेंज आप चीजें चेंज कर सकते हो आप प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की और ये आ, है सबको पता है मुझे लगता है हर आर्टिस्ट का और आर्टिस्ट को मतलब एज ए सिंगर हाँ अपने स्पेसिफिक जॉनर या स्टाइल में बेस्ट हाँ। बनने की कोशिश करनी चाहिए हाँ या वर्सेटाइल बनने की कोशिश करनी चाहिए मैं उसमें मैं इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ उन चीज़ों का मैं जिन चीज जितना भी समझ समझता हूँ इस चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चेंज करने में बिलीव करते हो तो चेंज करना चाहिए फॉर एन एग्जाम्पल लता दीदी या ताई है hmm. दोनों एक ही फैमिली से आई है दोनों क्लासिकल ट्रेंड है लता दीदी स्टिक टू वन जॉनरा वन स्टाइल उन्होंने उसी में अपनी महारत हासिल की आशा तय ने चीजों को बदला भी वेस्टर्न म्यूजिक भी गाया बहुत सारा और दोनों ने अपने अपने जगह पे सही किया है है ना सो so, ये है है कि आपको क्या करना है। ये उसी तरह से कि आप आपको कपड़े क्या पहनने हैं ये फिर हाँ भाई अभी ना कुछ कुछ सवाल हम लोगों ने एक पोस्ट डाला था कल यूट्यूब पे तो इंस्टाग्राम पे भी या। तो बहुत लोगों ने ऑडियंस ने सवाल पूछे एट द रेट सत्य की गुहा फोर वन फाइव अरे uh, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज यू अर्न फ्रॉम कॉन्सर्ट और शो मैं इतना अच्छा तो बना लेता हूँ कुछ रेंज भी बता सकते हो एक रेंज बता दू नहीं यार अगर मैं रेंज बता दूंगा मैं झूठ ही बोलूंगा <laughs> क्योंकि मैं क्यों चाहूंगा ना रेंज तो शायद पचास लाख भी बोल सकता हूँ बट दैट इज नॉट ट्रू ना उससे बहुत कम कमाता दू मैं ठीक है यू हैव गिवन एन आइडिया अंकुर प्रकाश टेन हैव यू एवर बीन टोल्ड टू सिंग इन अ हस्की वॉइस लाइक अरिजीत सिंह एंड योर कोलैबोरेशन विद प्रीतम ऑन सॉन्ग सौ तरह के दो अलग अलग सवाल है क्या क्या, क्या आपको मतलग? कभी अरिजीत सिंह जैसे हस्की वॉइस में गाने के लिए बोला गया मैं एक्चुअली मैं मैं बहुत बार हस्की गाता था बट मुझे रियलाइज क्योंकि हम लोग सारे सोनू जी फॉलोअर्स है वो डिवोशन में हाँ हम लोग सभी <laughs> हम उस से हाँ, हाँ, हाँ। तो सोनू जी को फॉलो करते हैं वो सभी हसकी वॉइस क्रिएट करना ये सब रहा ही है पर पर ये नेचुरल आप कैसे ट्रीट करते हो वॉइस को उस तरह से वो है कि आपको किसी ने बोला है क्या कैसे गाओ नहीं नहीं ऐसा कभी आ, नहीं। वो होता है लेकिन वो गाने के ऊपर है गाने अगर जरूरत है हाँ तो। गाने की जरूरत है तो अभी सो तारा की इतना हाई सॉन्ग है इसलिए थोड़ा अजीब भी है ये इतना हाई है तो उसमें आप हस यूज ही नहीं कर सकते हो नहीं एक्चुअली दो उसने दो अलग सवाल पूछे हाँ। पहला तो कि आपको अरिजीत सिंह जैसे हस की गाने, गाने के, के लिए किसी ने बोला है तो वो तो नहीं है अरिजीत हस्की गाता है ऐसा मतलब ये भी क्वेश्चन से पता चला बट मुझे ऐसा लगता है कि अरिजीत हैज अ फुल वॉइस हां और दूसरा कि प्रीतम दा के साथ सौ तरह के गाने का एक्सपीरियंस क्या था हाँ, सौ तरह के एक्चुअली जो मैंने वर्जन गाया वो तो रिलीज होने के बाद है क्योंकि अमित मिश्रा का वर्जन है जो दैट इज द मेन वर्जन एंड देन फिर आदित्य और मैंने गाया था बट इट वाज यू नो हाउ इट इज प्रीतम द के पास इट्स अ स्कूल इट्स अ स्कूल एट द सेम टाइम एवरी मोमेंट आई थिंक चलते रहता है ओके okay. uh, उन्होंने एक और सवाल पूछा एक्चुअली इतने सारे सवाल है ट इंडिया आर्टिस्ट अमोंग दर्शन रावल विशाल मिश्रा अनुज सारे अच्छे हैं है, बट <laughs> मुझे ऐसा लगता है कि विशाल मिश्रा हैज ब्रिलियन कैपेबिलिटीज म्यूजिशियन उसका जो uh, सुरों को जोड़ने का एक जो तरीका है सारे गाने बनाने का वो बहुत ही कमाल का है And I think he has

Yes, <laughs> मोहब्बत <बहुत> है <laughs> बहुत मोहब्बत जो खत्म नहीं होगी अब लाइफ में बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि उसके आखिरी जर्नी पर एक गाना होना चाहिए हर आर्टिस्ट का एक ना एक वो होता है कि जब उसका ट्रक निकलेगा ना <laughs> तो एक गाना तो होता है उसका बट मोहब्बत लुटाऊंगा आज भी घूसबम्स आते हैं मेरे लिए वो है क्योंकि जो फीलिंग है ना बिकॉज जिस जो भी उस मोमेंट पे रहा है ना हाँ वही समझ सकता है कि वो क्या फीलिंग थी हाँ हम लोग मोहब्बत ही लुटाऊंगा हम तीनों को मिला था मुझे अमित को और राहुल तीनों को मिला था और एक उसके अलग जो जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन वो है तो हमें बोला गया था कि उसका एक नया वर्जन अपने तरीके से बनाओ तो आ, तो आ सब ने अपना अपना बनाया था अमित ने एक रॉक स्टाइल में बनाया था और तो मैंने ये कहा मुझे लगा कि जो जीतेगा जीतने के बाद एक फेस्टिवल है यू नो, इट्स अ ऑफ उत्सव, वो जीतर गया है, तो इट हैज़ टू बी समथिंग हैप्पी थिंग्स इन इन टू द सॉन्ग इसलिए वो लास्ट में पूरा धेता अंकर धीता अंकर था वहां वो सब आ गया तो क्रिएट अ Happy moment. Happy And 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 it's a happy track. Ah, and that's why, how that's how uh, At the rate here underscore can it's, it's can we work for for him and how can I sing scratch song or version for Bollywood composers? आपके साथ काम कैसे कर सकते हो मेरे साथ काम करने के लिए अभी मैं अपने साथ काम कर लू पहले मेरे साथ क्या काम करोगे आप बहुत मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं आप उनसे उनके साथ काम करिएगा मैं बहुत छोटा आदमी हूँ अभी तक तो ओके एट द रेट अभिषेक चौबे म्यूजिक वेव इन म्यूजिक मुझे अभी अपना म्यूजिक बनाना है अपनी सोच लोगों के सामने रखनी है uh, मैं हो सकता है कि मैं मिजरेबली फेल हो जाऊँ इस चीज़ में uh, लेकिन लेकिन आई एन्जॉय मेकिंग म्यूजिक और मैं मैं आने वाली टाइम में मैं वो करूँगा ओके एट द रेट लखनऊ अंडरस्कोर एट अगस्त प्लीज सर टेल मी द बेस्ट म्यूजिक एकेडमी आई वांट टू लर्न म्यूजिक आई एम अ बिगिनर कोई रेकमेंड कर सकते हो आज ही आसने ऐसा मत देखा जाए तो सुरेश सुरेश जी।, जी का जो ये है शंकर भाई का ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो उनके हैं ऐसे बहुत बट एक एक चीज मुझे सबको बतानी है आप खोजो आप ढूंढो Uh, कोई एक आदमी सही नहीं हो सकता आपके लिए हमने ढूंढा यार हमने कहाँ नहीं जाके ढूंढा तो ये जर्नी आप सिर्फ ढूंढने से मिलेगी आपका है पूरा जो पूरा सेमिनार होता है उसमें कितने लोग आते हैं ऑल अबाउट म्यूजिक में कितने लोग आते हैं लो है? और सारे सारे बड़े बड़े नाम आते हैं आई थिंक ऑल अबाउट म्यूजिक एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर लोग आके सही आदमी ढूंढ सकते हैं एट द रेट इट्स अंडरस्कोर नाइशा वन टू नाइन हाउ डू आई गेट इन टू सिंगिंग ट्रैक वेन माई पेरेंट्स आर नॉट लेटिंग मी क्या वालू मैं क्या बोलूँ यार आप घर पर ही बात कर लो <laughs> मेरे ख्याल से तमाशा मूवी देखो और तमाशा मूवी में जो रणबीर कपूर ने अपने मम्मी पापा के साथ किया है तो समझाया बट तमाशा में रणबीर कपूर एक अच्छा एक्टर भी मतलब वो था ना जिन्होंने ड्रामा अच्छा करने वाले अच्छे रियल एक्टर मतलब वो थे यू नो आर्टिस्ट थे करेक्ट अब ये आर्टिस्ट कितने अच्छे हैं तो पहले तो खुद समझो कि आ, अच्छे हाँ। कितने हो उसके बाद हाँ पहले अपने आप को तो समझो ठीक है सही में करना चाहते हो कि नहीं अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पे और अगला सवाल है पांच करोड़ रुपए के लिए सीधा? <laughs> oh, <shit. laughs> इतना <पैसे> है। <laughs> भाई फोबिया है मुझे स्टेज फियर होता है अभी भी हाँ दो हजार शो कर अब तो भाई स्टेज फियर हमेशा रहना है मैं बट मुझे लगता है कि वो रहना भी चाहिए मेरा ऐसा होता है कि जब तक मैं नीचे बैठा हूँ या वेटिंग टाइम चल रहा है ना तो नर्वसनेस होती है स्टेज फ़ियर होता है डर लगता है कभी कभी कि कैसे रिएक्ट करेंगे लोग नहीं अच्छे से रिएक्ट किया तो क्या होगा लोग नहीं आए तो क्या होगा पर ऐसे सारे सिचुएशंस हुई है और फिर भी मैंने अच्छा ही शो किया है और अच्छी चीजें ही हुई है हाँ, क्या है क्या लगता है? है ऐसा हो सकता या, है। बट जैसे स्टेज पे चढ़ जाता हो फिर वहां पे फिर बाद में सारी चीजें सही होती है कोई अजीब फूड कॉम्बिनेशन है अजीब फूड कॉम्बिनेशन जैसे मैं सब कुछ कॉम्बिनेशन में खा सकता हूँ मतलब गुलाब जामुन के साथ राइस ट्राई किया गया बहुत अच्छा था गुलाब जामुन और राइस okay. हाँ और uh, <laughs> मैगी चॉकलेट <laughs> <laughs> मैगी चॉकलेट तो मैंने सुना है मैं देखा है शायद कहीं मैंने बनाया है <laughs> मेरे दोस्तों को मैंने बना के एक पतीले में बनाया <laughs> पूरा मैगी बनाया उन्होंने बोला हम लोग पूना में ऐसे घूमने हैं मैं ना मैगी बना था हाँ मैगी बनाया उसमें कैटपेट डाल दिया पूरा <laughs> भाई कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट रिसेंटली किसी ने दिया जिससे ऐसा लगा कि दिन बन गया मेरा ये चीजें याद नहीं रहती है मैं रखता ही नहीं कॉम्प्लीमेंट्स और क्रिटिसिज्म में याद नहीं रखता हूँ ओके okay. ये और, मेरा प्रॉब्लम है एक्चुअली कोई नहीं और किस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे मैं आ, वो हाँ जो ये दिखावा वाले रहते ना शो ऑफ रोलेक्स की गाड़ी या जो आपने भी खरीदी थी, थी एक बार हाँ <laughs> मैंने एक टाइम निकाला वैसा हाँ।, हाँ।, हाँ, तो वो वो क्योंकि वो ना थोड़ा सा आपको इन क्या एक तरह से प्रोवोक करता है ऐसे चीजें करने में आप हमेशा एक इसमें रहते हो कि यार ये खरीद सकता है मैं क्यों नहीं खरीदूं और तो वो जो आपको प्रोवोक करे चीजों में उनसे थोड़ा दूर रहता हूँ okay. और भाई अगर एक चीज आपको बदलनी हो म्यूजिक इंडस्ट्री में तो आप क्या बदलना चाहोगे यार जज मत करो लोगों को लोग जज बहुत करते हैं सही गलत मतलब हंस के बाद भी नहीं करेंगे एक तो एक तो बिल्कुल भी यू नो ऐसा लगता है कि आ, मतलब कई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स या फिर सिंगरों में वो तो हवस है चेहरे पे नो आँखों में कि शायद ये काम ना मांग ले मेरे से आके <laughs> सर मेरे को गाना दो यू नो ये उनको उनको डर होता है या और सिंगरों को डर होता है कि मैं कितना प्लीज करूँ इसको कितना इसको मैं यू you नो know, इसके कितना क्या करूं जो ये मुझे कल स्टूडियो बुला ले तो ये दोनों ये जो चीज चल रही है ना वो नहीं होनी चाहिए एक दूसरे का रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए सिमिलर लेवल पे और फिर तुम अपना अपना चीजें है सही है गलत है बट बट बात बातें बांटनी चाहिए फॉर्मेट बांटने से और भाई आखिरी सवाल कि आ, क्यों आ, आखरी नहीं, नहीं, अच्छा है अपने आप को आप कैसे याद रखा जाना चाहोगे हाँ ये ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका बढ़िया क्योंकि ये आखरी है <laughs> 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 बहुत हो गया <laughs> नहीं, नहीं, नहीं। बट मैं एक कलाकार की तरह ही याद रखना मुझे अच्छा लगेगा इंडियन आइडल ही नहीं कि लोग वो लोग मुझे एक इंस्पिरेशन की तरह समझे और मेरी जर्नी से लोग सीखें विद दैट थॉट भाई थैंक यू सो मच थैंक यू मेरे ख्याल से आज हमने जितनी बात की अब उससे बहुत लोग बहुत कुछ सीखेंगे फॉर श्योर sure. जैसा आ... मैंने पहले भी बोला ना कि आपसे ज़्यादा इंडियन लाइफ किसी की हो नहीं सकती आपके ना आपके जो इंडिया की जो सौ एक सौ चालीस करोड़ में से जो सौ करोड़ जनता है ना वो ऐसी जिंदगी जिंदगी और और उस से से आप एक सक्सेसफुल uh, आर्टिस्ट बने हो ज़्यादातर लोग को, आपको कनेक्ट उसी से करते हैं तो आपने जितने भी चीजें शेयर की बहुत ही खुल के ईमानदारी से उससे बहुत कुछ सीखने को लोगों को मिलेगा आई हैड गुड फन और मुझे लगता है कि मतलब पहला म्यूजिक का पॉडकास्ट है ये और म्यूजिशियन के बारे में बात होती है आई oh. होप कि सीखे कितना सीखेंगे ही लेकिन म्यूजिक uh, music और म्यूजिशियन क्या सोचते हैं वो वो बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँचेगाक यू yes. so,